गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आज के इस वंडरफुल ग्रेट मॉर्निंग में। जोरदार ताले स्वागत करना चाहूंगी और देखना चाहूंगी कितने लोग तैयार हैं। अभी हम उज्जवल पार्टी का सॉन्ग सुन रहे थे तो मैं देखना चाहूंगी कितने लोग तैयार हैं अपनी सफलता के लिए, कितने लोग तैयार हैं जिन्होंने बीड़ा उठा लिया है कि सफल तो होना ही है, तो बहुत सारे लोगों को भी सफल करना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। 10-11 पार्टिसिपेंट हैं, रेस किया आउट ऑफ 34, बहुत बढ़िया। तो चलिए जाओ, जहां बैठा है अपने लिए जरूर तालियां बजाएं। हम सब तैयार हैं, अपनी सफलता के लिए जिम्मेवार हैं और अपने साथ जिन लोगों को हम मोदी के सिस्टम का हिस्सा बना चुके हैं उनकी सफलता के लिए भी तैयार हैं। तो आज जो हम ट्रेनिंग करने वाले हैं वो अकेले के लिए नहीं है, ये जो ट्रेनिंग है ये लीडरशिप की टीम बिल्डर के टीम बिल्डिंग के लिए है कि कैसे हम डुप्लीकेट करें, कैसे अपनी सफलता की कहानी को रचें, कैसे हिस्ट्री क्रिएट करें और कैसे अपने साथ उन लोगों को भी लेकर आए हैं उनकी भी सफलता के बीड़ा उठाएं। तो चलिए आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। इन द मीन टाइम इनमें से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट से हमको कॉलिंग कर लें, क्योंकि अब ये जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्टर एंड अबव की वो एवरी संडे होगी और 11:30 बजे का समय रहेगा, जिसमें आप अपने ऑल डायरेक्ट 15% एंड अबव टाइटल अचीवर्स को जरूर इन्वाइट करें, उन लोगों को जो सिर्फ यूजर नहीं है। ये स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा कि ऑल 15% एंड अबव जो यूजर नहीं है, सिर्फ यूजर नहीं है, जो एक्शंस में भी है, यूजर तो सब है हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि जो 15% है या जो 16% है वो मेरे फ्रेंड्स यूज करके भी सिस्टम का ये टाइटल पर आ जाते हैं, पर हमें इस ट्रेनिंग का हिस्सा उन्हीं लोगों को बनाना है जो एक्शंस कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जिनका विजन बोर्ड है, जिनके सपने हैं और जो खुद को सरेंडर कर चुके हैं। तो प्लीज उन्हीं को इनवाइट करें, क्योंकि मैक्सिमम 100 लोग ही आ सकते हैं अगली बार से, तो आप उन्हीं को इनवाइट कीजिएगा जो लोग एक्शंस में हैं और करना चाहते हैं। तो चलिए आज की ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। आज बेसिकली रखा है हमने डायरेक्टर एंड अबव का एक टॉपिक रखा है कि हाउ टू मेंटेन टाइटल्स एंड हाउ टू अर्न ₹10,000 पर मंथ मिनिमम। तो कौन कौन जानना चाहता है कि अपने टाइटल को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे मिनिमम 10,000 रुपए पर मंथ इस सिस्टम से अर्न किए जाएं और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को सिखाया जाए, क्योंकि जिस रास्ते पर हम चलेंगे हमें समझ में आएगा कि ये वाला रास्ता 10,000 रुपए पर मंथ पे लेके जाएगा, उस रास्ते पर अपने फ्रेंड्स को गाइड कर पाएंगे जो कमाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच हैंड रेस करने के लिए, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलिए आज की ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का। चलिए मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैं किसी एक पर्सन को होस्ट बनाती हूँ। कुलदीप, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, तो अगर कहीं प्रॉब्लम होती है या किसी को अनम्यूट करना होगा तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच कुलदीप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और आज आपको मैसेज मिल गया होगा 4 अप्रैल आज 6 बजे से बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं कब से बिलिंग स्टार्ट होगी, कब हम अपने बिलिंग पूरी करके अपना गोवा कम्प्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिशन 10,000 सफलता की ओर पहला कदम, कैसे हम खुद कदम बढ़ाएं और कैसे सेम तरीके से औरों को भी गाइड करें कि कैसे वो लोग भी सफल हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जब तक मुझे विश्वास होगा तभी वो 10,000 15,000 20,000 5,000 2,000, बिना विश्वास के तो 500 का चेक भी नहीं आएगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो बिना ट्रस्ट के तो 500 का चेक आना भी मुश्किल है। क्या मेरी वॉइस आ रही है कुलदीप प्रॉपर तरीके से? हाँ जी मैम। मीनू प्लीज आप अपनी तरफ से चेक करें और कुलदीप एक बार आप मैसेज भी पढ़ते रहना साथ साथ, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो। चलिए बात करते हैं ट्रस्ट। अगर विश्वास नहीं है तो जैसा मैंने बोला 500 रुपए का चेक भी आना आसान नहीं है, और अगर विश्वास है तो 1,00,000 रुपए का चेक भी आना मुश्किल नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले ट्रस्ट करें कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। सबसे पहले विश्वास रखिए सिस्टम के ऊपर कि यस हम सब कर सकते हैं। अगर कोई इंसान एक पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट पर जो पहली बार कोई इंसान चढ़ा था
तो विश्वास नहीं था। आज हर दूसरे दिन, हर महीने, हर साल कोई ना कोई पर्सन चढ़ रहा है। इसका मतलब जो काम मुश्किल था एक समय में, आज वो काम आसान हो चुका है। कोई भी काम है, एक पहाड़ पर बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, तो क्या विश्वास आएगा अगर ये लोग चढ़ सकते हैं? अगर पानी का पाउच बेचने वाला चढ़कर महीने का 7-5-6 लाख कमा सकता है, अगर दूध वाली कमा सकते हैं, सिंपल सी हाउसवाइफ कमा सकती है, तो विश्वास हमें पक्का करना है कि यस वी कैन अचीव, हम भी कमा सकते हैं, हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले खुद को समय देना स्टार्ट कीजिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैं फिर कहती हूँ अपने साथ एक घंटा रोज बिताएं या आधा घंटा रोज बिताएं और खुद को विश्वास दिलाएं कि यस मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकती हूँ। फिर हम बात करते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, फिर बात करते हैं विजन बोर्ड। ये मेरा क्वेश्चन हर बार हर ट्रेनिंग में आप लोगों से होता है और हर बार होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है हमारा, मुझे क्यों करना है, और इसी चीज के लिए हम लोग समय नहीं निकालते हैं। जो मैंने अभी बोला कि अपने आप को समय दीजिए, डेली का आधा घंटा विजुलाइज करना शुरू कीजिए कि हमने इसको अचीव करना है। बट क्या अचीव करना है? हमें दूसरों के सपनों के ऊपर काम नहीं करना, उसके सपने उसके खुद के सपनों पे काम करना है उनके, बट अपने सपने को भी क्लियर करना है कि हमें क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों हैंड डाउन कर रही हूँ फिर से, और अब आप लोगों से पूछना चाहूंगी कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड बना लिया है। आज संडे का दिन है, समय सबके पास होगा। नहीं बनाया है तो फिर आज होमवर्क यही है हम लोगों का, हमें अपना विजन बोर्ड बनाना है। मनोज सिंह ने बना रखा है, शालू गोयल ने अपना विजन बोर्ड बना रखा है। आउट ऑफ 47 पीपल अभी 3 लोगों ने हैंड रेस किया है, मनोज जी ने, शालू जी ने, मंजू जी ने। आई गेस भावना मदान जी, आपने भी विजन बोर्ड अपना शेयर किया था तो आपका हैंड नहीं रेज हुआ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपका ड्रीम हाउस है मुझे पता है आप जो चाहते हैं। मीनू आप भी नहीं, आपने भी हैंड रेज नहीं किया है, आपका भी सपना आपने विजन बोर्ड शेयर किया था मेरे साथ। तो जिन्होंने अपने विजन बोर्ड बना रखे हैं उसको शेयर कीजिए, मतलब अभी आप हैंड रेस कीजिए। पर जब आप हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में उसको शेयर करेंगे तो विश्वास कीजिए मिरेकल होते हैं, विश्वास कीजिए मैजिक क्रिएट होता है। जब आप अपना विजन बोर्ड शेयर करते हैं, आप अपना सपना शेयर करते हैं, जिस पर्सन को आप मीटिंग देने जा रहे हो ना, वो पर्सन मोदी के अब नहीं देखता, वो पर्सन प्रोडक्ट नहीं देखता, वो आपका सपना को देखता है। वो कहता है इतना कॉन्फिडेंट है इसके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस है, अगर ये अपना सपना पूरा कर सकता है तो इस पर्सन के साथ तो पक्का ऐड होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेंबर बनाने नहीं जा रहे हो, आप अपना हिस्सेदार बनाने जा रहे हो, पार्टनर बनाने जा रहे हो अपने सपने और उसके सपनों को पूरा करने के लिए। तो अगर अभी भी आपने ये काम नहीं किया है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, अपना विजन बोर्ड बना लें, क्योंकि आगे की जो सारी ट्रेनिंग्स हैं, सुबह की ट्रेनिंग, रात की ट्रेनिंग, दोपहर की ट्रेनिंग, ऑफिस की ट्रेनिंग, जितनी भी ट्रेनिंग्स आप ले रहे हो, वो ट्रेनिंग तभी काम करेंगे आप लोगों के लिए जब आपका ये पहला स्टेप क्लियर होगा, विजन बोर्ड क्यों करना है। किसी को डाउट है तो साथ साथ पूछ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू डाल सकते हैं। बट फिर यही बोलूंगी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क है, मेक योर विजन बोर्ड एंड बी सक्सेस। पहला स्टेप भी यही है, डेस्टिनेशन भी यही है, हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी और यहाँ खत्म होगी, फिर नई यात्रा शुरू हो जाएगी अगले विजन बोर्ड के लिए। तो फिर रिक्वेस्ट करूंगी आज रात तक अपना विजन बोर्ड बनाकर, डायरेक्टर एंड अबव ग्रुप बना हुआ है, जो नहीं ऐड है वो जरूर बताएंगे, जो 15% के अचीवर्स हैं वो अपनी अपलाइन को जरूर शेयर करें। पर ये होमवर्क जो करेगा, मैं गारंटी देती हूँ आज की जो ट्रेनिंग को जो फॉलो करेगा, गारंटीड वो 10,000 तो खुद कमाएगा ही कमाएगा, अपने साथ इस साल के एंड तक वो कम से कम 10 लोगों को खड़ा जरूर कर देगा जिसका 10,000 का चेक आएगा। और अगर आपने 10 लोगों को क्रिएट कर दिया जो 10,000 का अर्न कर रहे होंगे, फ्रेंड्स आप 1,00,000 रुपए महीने तक पहुंच जाएंगे। आप 10 को सिखा दीजिए कैसे 10,000 कमाना है, आप अभी अकेले सीखेंगे, फिर यही चीज आप लोगों को सिखाएंगे। और फिर रिपीट कर रही हूँ, विजन बोर्ड बनाए, नोट कर लें अपनी कॉपी में, प्लीज आप अपनी कॉपी पेन उठा लें, क्योंकि आगे की पूरी ट्रेनिंग नोट करने वाली है। और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। तो प्लीज अपने कॉपी पेन निकाल लें जल्दी से और नोट कर लें कि अभी सबसे पहला टास्क है हमारा आज का विजन, क्योंकि बहुत होमवर्क देने वाली हूँ मैं आप लोगों को, और ये वीकली होमवर्क मिला करेगा और वीकली होमवर्क अपलाइन लीडर्स चेक करेंगे आपके।
मेक योर विजन बोर्ड एंड बी सक्सेसफुल, पहला स्टेप एंड डेस्टिनेशन दोनों यही है हमारे पास, चाहिए क्या वो लिखना है, क्या क्या स्किल्स चाहिए अपने आप को नोट करना है, चेकलिस्ट बना लें। मैं जो जो यहाँ पर करवा रही हूँ, मैं अभी दो तीन लोगों से पूछूंगी भी अभी स्क्रीन स्टॉप शेयर करके कि क्या क्या हमें आता है, क्या क्या स्किल चाहिए 10,000 का चेक कमाने के लिए और कैसे उसको डुप्लीकेट करना है, मैं उस पर आ रही हूँ। सबसे पहले मुझे मतलब पता होगा MCA नंबर, पहला हमने माइंडसेट किया क्या करना है, क्यों करना है, अब बात करते हैं कैसे करना है। स्किल MCA नंबर का मतलब मोदीकेयर कंसल्टेंट एप्लीकेशन नंबर, नोट कर सकते हैं जिनको नहीं पता है, MCA नंबर, दैट इज मोदीकेयर कंसल्टेंट एप्लीकेशन नंबर। हमें अपना पासवर्ड पता होना चाहिए, जब हम अपना पूरा बिजनेस चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कितने एक्टिव लोग हैं टीम में, कितने लोगों ने लॉयल्टी शुरू कर रखी है, किसका KYC हुआ है, किसका चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब कुछ देखने के लिए मेरे पास पासवर्ड मेरा होना चाहिए, नहीं है तो नोट कर लें, बताएंगे कैसे मिलेगा। तो MCA नंबर खुद का मालूम हो, ये नहीं कि हम अपने फोन में नोट करते हैं कि अरे मेरा MCA नंबर तो यहाँ सेव किया हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था, अपने 8 डिजिट है, ये आपका लक्की नंबर है, हमें पता होना चाहिए मेरा नंबर क्या है। फिर पासवर्ड पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या मेरा KYC हुआ हुआ है, टिक मार्क कर ले यस, क्या मेरे अकाउंट में चेक आते हैं, NEFT हुआ हुआ है, अकाउंट चेक कर ले यस और नो, नहीं आते हैं तो जरूर नोट करें और एट द एंड ऑफ द मीटिंग जरूर बात करें। पैन कार्ड, शुरू में पैन कार्ड नहीं मांगा जाता आप लोगों से, शुरू से आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि आधार कार्ड दे दो, लाइसेंस की कॉपी दे दो, वोटर ID दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, जो भी आपका ID प्रूफ है वो KYC के लिए मैंडेटरी होता है। NEFT जब हम करते हैं तो या तो पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी आपके बैंक की, या फिर कैंसिल चेक, वो चाहिए हमें NEFT के लिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट शुरू में ज्वाइनिंग के लिए होती है, पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती बिगिनिंग में, इसलिए ज्वाइनिंग के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। बट पैन कार्ड कब चाहिए, जब आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही आपकी इनकम 5,000 क्रॉस कर जाएगी टोटल मिलाकर, कभी 200 आया, कभी 500 आया, कभी 1,000 आया, कभी 2,000 आया, आप गोवा ट्रिप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो जैसे जैसे आपका चेक टोटल मिलाकर एक्यूमुलेशन जुड़ते क्रम में टोटल मिलाकर 5,000 हो जाएगा, तो आपका टैक्स कटना शुरू हो जाएगा और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, मोदीकेयर अपने पास नहीं रखता। इसका मतलब, और अगर मैंने पैन कार्ड जमा नहीं कराया तो 30% टैक्स कटेगा, और अगर जमा करा दिया है तो 5% टैक्स कटेगा। जो 5% टैक्स कटेगा वो आपको वापस मिल जाएगा ITR फिल करके, अगर पैन कार्ड जमा हुआ है, इसका मतलब मेरा टैक्स भी मैं वापस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो पैन कार्ड इसीलिए जरूरी है, अगर हम बहुत बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे तो पैन कार्ड जरूरी है, महीने का 10,000 कमाना सीखेंगे तो पैन कार्ड जरूरी है, और सिर्फ हम कंज्यूमर हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स कंज्यूमर रहना चाहते हैं तो पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है उन लोगों के लिए, और आप ही के फायदे के लिए पैन कार्ड जरूरी है, किसी और के लिए नहीं। अच्छा चलिए, इससे पहले अगर क्या हमें KYC करना आता है, नोट कर लें, ये तो खुद का करने की बात बता रही हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन ये था, क्या हमें करना आता है, क्या हम खुद अपलोड कर लेते हैं अपना आधार कार्ड, क्या हम NEFT खुद कर सकते हैं, क्या पैन कार्ड खुद अपलोड कर सकते हैं, अपने आपको नंबर दे दीजिए यस और नो, खुद को आंसर देना है। अभी हम खुद को चेक कर रहे हैं हमें क्या क्या आता है, स्किल्स कौन कौन सी आती हैं। फिर बात करते हैं हाउ टू डू न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग क्या मैं अपनी अपलाइन को फोन करके लिए बताती हूँ, मैसेज करती हूँ कि प्लीज ये ज्वाइनिंग कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे करना नहीं आता है, या मैं खुद इंडिपेंडेंट अपनी ज्वाइनिंग खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसके वीडियो बने हुए हैं, आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं इसके वीडियो का, हम आपको शेयर कर देंगे जिसको नहीं आता है। आप KYC भी करना सीख जाएंगे, आप NEFT करना सीख जाएंगे, पैन कार्ड कैसे अपलोड करना है वो भी सीखना है, और न्यू ज्वाइनिंग कैसे करवानी है। फ्रेंड्स, अगर आपने डिपेंडेंसी रखी, अगर आपने अपनी अपलाइन को बार बार मैसेज करके कि मेरी ज्वाइनिंग कर दो, या बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहे, आज मेरा बेटा घर नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं डलेगी, आज मेरी बेटी घर नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं डलेगी, आज अपलाइन बहुत बिजी है वो 2 दिन के बाद ज्वाइनिंग डालेगी, तो आप बिजनेस सफर करोगे आपका। इसका मतलब न्यू ज्वाइनिंग डालना सीखना है। सिंपल हाउसवाइफ आज खुद न्यू ज्वाइनिंग डालना सीख लेती है, कर लेती है, इसका मतलब हम सब कर सकते हैं। क्या मेरा मेमोरी जोगर बना हुआ है, अगर मैं मेमोरी जोगर की बात करूं, फ्रेंड्स ये सफलता का बहुत बड़ा
यंत्र है, टूल है, अगर सफल होना है तो मार्क कर लें, नहीं बना है तो फिर कहूंगी आज से बनाना शुरू कर दें। अपनी टीम का बनवाना भी है पर पहले खुद का बनाना है, कम से कम 200 से 250 लोगों के साथ अपना मेमोरी जो रेडी करना है, 2-3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लें जिनका नहीं हुआ है। मेमोरी जोगर होना चाहिए हमारे पास, परिवर्तन, बोलना सीखना है, कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट सिस्टम नहीं है कि हमें नहीं आएगा बोलना, परिवर्तन हम सब प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, यूट्यूब पर हैं, आप किसी भी रिकॉर्डिंग को उठाएं और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, नहीं किया तो प्लीज इसको भी मार्क करें कि परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी टीम को लीड करेंगे, जब डायरेक्टर बनकर, सीनियर डायरेक्टर बनकर, SCD बनकर, ED बनकर अपनी टीम की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मुझे वैसा बनना होगा जैसे मैं अपनी टीम को बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो पहले मुझे सीखना है परिवर्तन प्रोग्राम बोलने का तरीका। हम सब बोल सकते हैं, विश्वास मानिए, गलत बोलिए, सही बोलिए, बट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मत इंतजार कीजिए कि पार्ट मिलेगा तभी हम करेंगे, आप अपने आप अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए, अपने आप मिरर के आगे खड़े होकर बोलिए। पहले परिवर्तन के नोट्स बनाना शुरू कीजिए, जब उसके नोट्स बनाएंगे फिर उसको देख देख कर बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख कर बोलना शुरू कर दीजिए। आप डिफरेंट कलर के कलर शीट ले लीजिए, एक दो स्लाइड्स के एक शीट पर नोट कीजिए, अगली दो स्लाइड एक शीट पर नोट कीजिए और हर जगह उसको देख देख कर बोलिए, सुंदर सी शीट्स तैयार कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख कर भी आप बोलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परिवर्तन की स्टार्ट करनी है आप लोगों को सीरीज, तो परिवर्तन प्रैक्टिस, बेसिक प्लान 15 से 20 मिनट में मुझे किसी को मोदी केयर प्लान दिखाना है तो मुझे आना चाहिए कि क्या डिफरेंस है मार्केट में और मोदी केयर के प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर। फिर बात करते हैं शुरुआत, 10 कदम आजादी के, कैसे मुझे हर नए पर्सन को शुरुआत करवानी है, कौन से ऐसे 10 कदम हैं जिनको फॉलो करके, जिन पर चलकर वो इंसान सफल हो सकता है। तो शुरुआत बतानी है, उसके लिए मुझे आनी चाहिए बोलनी। कैसे स्पीड पकड़नी है इस बिजनेस के अंदर, क्या क्या 10 गलतियां हैं जो लोग करते हैं और मुझे अपनी टीम को सिखाना है कि वो गलतियां नहीं करनी है। मुझे इंडिपेंडेंट रफ्तार प्रोग्राम सीखना होगा, 20 डेमो, कम से कम 20 डेमो करने आने चाहिए। नहीं आते हैं तो नोट कीजिए फ्रेंड्स, होम केयर में कौन सी कैटेगरी में डेमो आता है, पर्सनल केयर में से कौन कौन से आते हैं, स्किन केयर में से मुझे CTMP आता है कि नहीं आता करना, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, सीखना है, लर्न करना है, ये मेरी स्किल्स है, ये आपकी स्किल्स है जो हमें सीखनी है। एंड लास्ट है इसमें SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, ये सिस्टम है जो मैंने अभी आप नोट करवा रही हूँ ना, ये वो सिस्टम है जिसे हमें भी फॉलो करना है और हर उस इंसान को जो बिजनेस में आएगा। आप सोचिए, आप दिल्ली में बैठे हो, आपका पर्सन अगर कोलकाता में भी है, वो अगर ये सिस्टम फॉलो करेगा तो आप सोचिए आपका बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई होगा। सेम सिस्टम, ये सेम जितने भी स्टेप मैंने लिखे हैं, ये स्टेप अगर एक और इंसान जो आपका उत्तराखंड में है अगर वो सेम ट्रेनिंग दे रहा होगा तो सोचिए आपका बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई होगा। हमें अपना सिस्टम नहीं बनाना, हमें ये सिस्टम कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है। तो SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, स्किन केयर एंड हेल्थ केयर, ये हमें ट्रेनिंग लेनी है, इसके नोट्स हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोग प्लीज इसको सर्च कीजिए, अपनी अपलाइन से पूछिए कि कैसे हमें इन ट्रेनिंग्स को नोट करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये जितना मैंने लिखवाया है, सिस्टम बना हुआ है, अभी मैंने मॉर्निंग में बड़ी साइड इसमें स्लाइड्स तैयार की आप लोगों के लिए, बट इतना कहना चाहूंगी ये अपने एक्सपीरियंस से स्लाइड्स तैयार की है, ये सिस्टम है जिसको हमने फॉलो किया, ये सिस्टम है जिसे हर इंसान को हमें फॉलो करना है। हमें पता है कि ये वो सिस्टम है जो एक महीने का 1 लाख कमाना भी सिखाएगा, महीने का 50,000 कमाना भी सिखाएगा और महीने का इसी सिस्टम को फॉलो करके सुरेखा भार्गव मैम आज 1 करोड़+ कमा रही है। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक सिस्टम बनाती हैं और पूरी टीम उसको फॉलो करती है जिसकी वजह से हर कोई अर्न करता है। ये सिस्टम हमें फॉलो करना है, सिस्टम एक ही रहेगा और जो अपना सिस्टम चलाता है मतलब वो अपनी गाड़ी के पहिए को गोल की जगह चकोर कर रहा है और जब गाड़ी गोल की जगह चकोर हो जाएगी उसका पहिया हर कोई चला नहीं पाएगा। हो सकते आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आप बिजनेस को अपने तरीके से कर लो, पर जो नया इंसान आपकी फैमिली में आ रहा है वो हाउसवाइफ भी हो सकती है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकती है और वो एक दूध बेचने वाला पर्सन भी हो सकता है, पैसे वाला पर्सन भी हो सकता है,
मतलब वो कोई भी इंसान हो सकता है, पर अगर एक सिस्टम है, ये सिलेबस है, सबसे पहले एक नया इंसान आया, उसको एमसीए नंबर का मतलब समझाया, उसको पासवर्ड दिया, उसको पूछो, उसको केवाईसी करना सिखाया, केवाईसी की उसकी, उसको करवाई उसके हाथों से, उसको एनईएफटी करना सिखाया, उसको वीडियो शेयर किया कि ये तरीका है, जो करना चाहेगा वो रास्ता निकालेगा, फिर उसके बाद उसको पैन कार्ड का मतलब भी समझाया कि शुरू में जरूरी नहीं होता है, पर शुरू में लगा लोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका महीने का 5,000 का चेक आया, उसमें से 3,000 रुपए का चेक कट गया, और उस दिन वो उठकर जागे, मेरा इतना चेक क्यों कटा, क्योंकि वो इतने टाइम से कंपनी ने काटा नहीं था, क्योंकि पैन कार्ड जमा नहीं था, वही 20-25-30% कट गया और वो डिस्टर्ब हो गए कि इतना पैसा काट लिया। तो किसकी मिस्टेक है? इसका मतलब हमें खुद अवेयर होना है कि 5% टैक्स तो कटेगा, जो गवर्नमेंट का रूल है, और वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, आईटीआर फिल करेंगे, वो वापिस आ जाएगा, तो पैसा हमारा, हमारे पास वापिस, बट वो कब आएगा? जब पैन कार्ड जमा होगा। तो मेरे फ्रेंड जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस की तरह मोदी केयर को फुल टाइम पार्ट टाइम में कर रहे हैं, तो सबसे पहले पैन कार्ड अपलोड कीजिए, नहीं बना है तो बनवा लीजिए उसको। तो चलिए, पैन कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया है, न्यू ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अपना एक पीडीएफ, अपने एक पेपर बना लें, उसमें नोट कर लें कि अगर मुझे किसी की ज्वाइनिंग करवानी है तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, वो उस इंसान को भी समझाना है कि ज्वाइनिंग करनी कैसे है, फिर उनका भी केवाईसी, उनका भी एनईएफटी, उनका भी पैन कार्ड, मेरा मेमोरी जोगर बना हुआ है या नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ तो बनाना है। और पहला स्टेप था विजन बोर्ड, पहला स्टेप वही है और डेस्टिनेशन भी वही है, वहां से नहीं शुरू करोगे आपको मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे हम उस जगह तक, हम पहुंचेंगे जरूर पर कोई भी स्टेशन आ जाएगा, अपनी मन चाहे स्टेशन नहीं मिलेगा। तो अगर मन चाहे मंजिल चाहिए तो मन चाहे मंजिल के लिए लिख लीजिए चाहिए क्या। तो चलिए, ये चीजें हमारी जरूरी है, बाकी स्किल्स है, हमें परिवर्तन बोलना आना चाहिए, नहीं आता तो कोई जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार है। इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन ट्रेनिंग रखेगी, मुझे पार्ट देगी तभी मैं सीखूंगा या तभी मैं सीखूंगी, ऐसा नहीं है। हमारे पास, हम 24 घंटे खुद के साथ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ के अंदर। इसका मतलब परिवर्तन के आज नोट्स बना सकते हैं, अभी समय शुरुआत है, अप्रैल मंथ की बिगिनिंग है, इसका मतलब हम रात को डेली आधा घंटा या एक घंटा बैठकर कलर शीट ले लेते हैं आगे से, उस कलर शीट पर परिवर्तन की 2 स्लाइड नोट की, एक शीट पर अगली 2 स्लाइड की, और आप उसको देख देख कर अपना प्लान दिखाइए, चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए। हमें यहाँ पर डिग्री नहीं मिलेगी कि हमने डिग्री लेकर पेपर देना है, परिवर्तन याद करनी है, ऐसा नहीं है। काम को आसान बनाएं, परिवर्तन सेम शुरुआत के नोट्स बना सकते हैं, सेम रफ्तार के बनाने हैं, सेम हेल्थ केयर, सेम स्किन केयर, अभी 5 ही में आपको काम दे रही हूँ जो हमें साथ साथ करने हैं, और जो मंडे वेंसडे फ्राइडे की ट्रेनिंग है उसमें आप लोगों को पार्ट मिलेगा, जब आप ये नोट्स बना लेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा वो पार्ट को कंप्लीट करना। तो चलिए, ये तो थे हमारे जो स्किल्स मुझे चाहिए, जो स्किल्स आगे बढ़ने के लिए जरूरी है मेरे को और मेरी टीम को। तो एक रजिस्टर बनाना है आज हम सबको, ये काम हमने करना है, उस रजिस्टर में हमने नाम लिखना है। मान लेते मैंने भावना बदान सामने बैठे हैं, तो मैंने भावना बदान लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिखा उनका एमसीए नंबर, फिर लिखा उनका पासवर्ड, नहीं पता तो कोई बात नहीं, उनको पता है कि नहीं पता, मैंने ये टिक करना है। उसके बाद उनका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ, या उनको केवाईसी करना आता है या नहीं, मैंने 2 कॉलम बना ली, उनका हुआ हुआ, उनको आता है कि नहीं करना। ये मेरे को अपने 10-10 लोगों की जिम्मेवारी लेनी है, मतलब मेरे लिए कोई 10 लोगों से पूछना मुश्किल काम नहीं है। मैंने भावना मदान जी को कॉल किया कि भावना जी की केवाईसी करना आता है, क्योंकि आता है तो मैंने टिक कर लिया। आपको एनईएफटी का मतलब पता है? नहीं पता, भावना जी को मैंने सिखा दिया, मैं वीडियो भेज रही हूँ, एनईएफटी ध्यान से सुनना। मैंने एक पढ़ा लिखा पर्सन तैयार करना है, वो किया। फिर मैंने भावना जी से पूछा, भावना जी परिवर्तन अच्छे से बोलना आता है? नहीं तो नोट्स बना लीजिए। तो क्या किया, टिक मार्क करते रहो हर उस इंसान का जिसको आप सिखा रहे हो। जिम्मेवारी लेनी है, सिर्फ भागने का काम नहीं है, ये कॉपी पेन लेकर नोट करने का भी काम है कि मेरे को अपनी टीम में डुप्लीकेशन के लिए कितने ऐसे लोग हैं जो तैयार खड़े होंगे कि आज अगर वहां पर कुसुम जी नहीं जा सकती हैं तो क्या जगमीत खड़े होकर वहां इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग दे सकती है? हमें ऐसे लीडर तैयार करने हैं। इसका मतलब क्या करना है, हमें ये चीजें नोट करनी है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, जो नहीं आता उसको सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल। आज 4 तारीख है, कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर हम ऐसे बनाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे फ्रेंड्स को आता है
और जिनको नहीं आता है स्क्रीनशॉट ले लो कि अभी मैं आपको कैलेंडर बनाने का तरीका सिखा रही हूँ बट आपको कल तक अपना कैलेंडर रेडी करके भेजना है। तो आप लोग अभी या फिर आप अपनी अपलाइन की हेल्प से कैलेंडर फिल करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताऊंगी। ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि हमें अपना समय निकालना है पार्ट टाइम या फुल टाइम, अपने समय के हिसाब से हमें अपना कैलेंडर बनाना है। तो ये यहाँ पर डेट लिखी हुई है, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। और अगर मैं बात करूं, चलिए आज है हमारी संडे और आज है 4 तारीख, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, संडे 4, मंडे आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, इससे पहले जो आपने काम किया 1 2 3 भी लिख लेना, 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 2 लाइन क्यों लगाई गई है, लंच से पहले लंच के बाद जो टाइम आपके पास अवेलेबल है, जिस समय में आप मोदी केयर को समय देंगे, ये वो समय वो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऊपर और ये नीचे, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी, चलिए ये जो ये लिखा गया है यहाँ पर, ये ऊपर ये 2 लाइंस लगी हैं, इसका मतलब मैंने ऊपर लिखना है 11 से 1 या 11 से 2 या 10 से 1, जो भी समय आपके पास लंच ब्रेक से पहले अवेलेबल है। और जो लाइन नीचे लिखी गई है, ये लाइन के नीचे डेट लिखी हुई है, यहाँ पर आप अपना समय लिखेंगे 3 से 5, 4 से 6, 5 से 7, ये 5 से 8, जो भी समय आप देंगे मोदी केयर को, जिस समय में आपके पास समय है, जिस टाइम आपके बच्चे ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, ट्यूशन में बिजी हैं, कहीं भी ऑक्यूपाइड हैं, जब आपके पास अपने लिए समय है, मोदी केयर के लिए समय आप निकालोगे, आपको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और कोशिश कीजिए कलर कलर कलरफुल पेन ले लीजिए ताकि आपको लिखने में भी अच्छा लगे और आसानी हो। तो ऐसे हम और मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस कैलेंडर का ऐसे, या फिर आपने फोटो खींच ली होगी। तो मैं आगे कर रही हूँ और अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कैलेंडर फिल कैसे करना है, कैलेंडर तो मैंने बता दिया, ये तो बहुत समय से बताया जाता है, हर लीडर को बताया जाता है, पर क्या हम उसको बनाते हैं, या पूरा महीना बिना प्लानिंग के ही हमारा काम चलता है, या पूरा महीना विदाउट प्लानिंग, जब कोई मीटिंग आ गई तो कर ली, मीटिंग नहीं आई तो घर में इंतजार करते हैं कि कोई हमें कॉल करके बुलाएगा। फ्रेंड्स, ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है कि आप परफॉर्म करेंगे, आपको काम दे दिया जाएगा, उस काम के हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे और आप घर का काम करके वापिस आ जाएंगे। यहाँ काम खुद क्रिएट करना है, ये बिजनेस मेरा है, मुझे काम को क्रिएट करना सीखना है और अपनी टीम को काम क्रिएट करके देना है और काम क्रिएट करके देना सिखाना है। तो चलिए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं फॉलो योर अपलाइन कैलेंडर होता क्या है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक स्किन टेस्टिंग कैंप लगा लिया या BMD कैंप लगा लिया, या फिर मैंने आज एक ऑनलाइन ट्रेनिंग फिक्स कर दी कि एवरी मंडे एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे या कोई भी डे फिक्स कर लिया कि इस दिन मेरी मीटिंग होगी। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इस दिन संडे को 11:30 बजे आप कोई मीटिंग मत प्लान करना, एवरी संडे 11:30 हम अपनी एक्टिविटीज के लिए, माइंडसेट के लिए, सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए मिला करेंगे ताकि हम अपने बिजनेस को अगले लेवल पर लेकर जाएं। अब आपने अपने कैलेंडर में लिख लिया एवरी संडे 11:30 बजे हम लोग यहाँ डायरेक्टर अबव की मीटिंग में मिलेंगे ऑनलाइन, 1 से 1.5 घंटे के लिए, 11:30 से 1 भी हो सकता है, 11:30 से 12 भी खत्म हो सकती है। तो अब आपको ये पता है कि यहाँ पर मेरा दिन फिक्स हो गया, यहाँ मैंने किसी भी पर्सन को समय नहीं देना। आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे जब अपने शेड्यूल को लेकर, फ्रेंड्स आपके लोगों को कीमत पता चलेगी कि आपके समय की कीमत है। जब आप अपना कैलेंडर बनाएंगे ना, विश्वास मानिए लोग जरूर आपके साथ आएंगे। क्यों? उनको लगेगा यार ये तो बड़ा प्लान्ड पर्सन है, इसका तो सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास तो कैलेंडर में सब कुछ मेंशन है कि इस डेट को यहाँ है, तो क्यों ना इसी पर्सन के साथ आए। हर चीज आपको अगले स्टेप पर लेकर जाएगी। इसका मतलब अपनी अपलाइन के कैलेंडर से अपलाइन से बात कीजिए, कौन कौन सी डेट कॉमन है आपके साथ जब वो आपको समय दे रहे हैं, या फिर जो आपने उन्होंने मीटिंग रखी है उस मीटिंग में आप अपना समय कहीं और ना रखें। आप फिल कर लीजिए सबसे पहले एवरी संडे अपने कैलेंडर में 11:30 बजे जब आप किसी को उस समय टाइम नहीं देंगे, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का मेरा समय होगा, बाकी आप कहीं भी जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली फिक्स योर एक्टिविटीज, अभी मैंने एक ही दिन बताया, अभी आपकी और भी अपलाइंस हैं, आप उनसे भी पूछिए जरूर फोन करके कि आपका हमारे साथ और कौन सा कॉमन डे है,
वो जो कॉमन डे है उसमें कुछ मत रखिए, प्लीज सबसे पहले उन्हीं को फॉलो कीजिए। फिर बात करते हैं कौन कौन से एक्शन हम कर रहे हैं। अटेंड वन फिजिकल ट्रेनिंग वीकली इन ऑफिस, जिनके लिए अप्रोचेबल है। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो रजौरी गार्डन में, कैलाश कॉलोनी में हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। वीना पवार जी ने सेकंड टाइम हैंड रेस किया है, कुलदीप एक बार अनम्यूट कर दें उनको, उनका क्या डाउट है जो बार बार वो हैंड रेस कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी। वीना पवार जी, मैम उनका माइक ही नहीं आ रहा। माइक ही नहीं, तभी वो वीना पवार जी जिनकी टीम में, मैं समझ गई वो क्यों उनको आवाज नहीं आ रही होगी, तो वो जिनकी टीम से हैं वीना पवार जी, मेरी ही टीम से हैं। हाँ जी, मेरी ही टीम से हैं। आप उनको फोन करके समझा दें कि ऑडियो कहाँ से ऑन करना है। ओके प्लीज, आप लोग ना, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब जब आप देखते हैं तो नीचे देख लीजिए, अगर किसी का माइक बना हुआ नहीं आ रहा तो उनको फोन करके जरूर इन्फॉर्म कर दें कि माइक ऐसे चेक करना है और ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, तो आप जरूर प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सेकंड टाइम हैंड रेस किया तो मुझे डाउट था, कुछ पूछना चाह रही है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए हफ्ते में जो जो लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं ना, तो कम से कम ऑफिस में 2-3 दिन जरूर, तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वीकली ट्रेनिंग हमें ऑफिस में एक अटेंड करनी जरूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब है जाकर अपने ऑफिस को देखना, उसका सारा सिस्टम देखना, एक बार मत्था टेकना, कहते हैं ना मंदिर में जरूरी होता है, ऐसे हमारा ऑफिस के अंदर, हमारा मंदिर है ऑफिस के अंदर, हमें जाके हफ्ते में एक ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है, जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। एक ही बात है, हमारी ग्रोथ के लिए, कोई बॉस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों के साथ, बट यस आपके सपने, आपका विजन बोर्ड जरूर आपको कंपेल करेगा कि सारे वो एक्शंस करने जरूरी हैं जो एक्शन आपकी सफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले अटेंड, हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग एवरी मंडे हमारी टीम की होती है, एवरी मंडे 3:30। अदरवाइज ऑफिस में रोज ट्रेनिंग हो रही है, हर हर घंटे में ट्रेनिंग हो रही है। अगर किसी को मंडे हमारे साथ सूट नहीं कर रहा है तो एक डे फिक्स करके आप किसी और दिन भी जाके अटेंड कर सकते हैं, बट नए पर्सन को अकेले नहीं भेजे वहां पर, आप साथ में जाएं अगर किसी और की ट्रेनिंग अटेंड करवा रहे हैं तो। फिर बात करते हैं कम विद योर गेस्ट और टीम इन ऑफिस। ये जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए, उतने ज्यादा लोग आपकी टीम में होंगे उतनी बड़ी सफलता, जितने ज्यादा लोगों की जिम्मेवारी लोगे उतनी बड़ी सफलता, जितने ज्यादा लोगों को डुप्लीकेशन करना सिखाओगे उतनी बड़ी सफलता, जितने ज्यादा लोगों के साथ फील्ड में काम करोगे उतनी बड़ी सफलता। इसका मतलब हमारे की पीपल, हमारे लीडर्स, हमारे लोग हैं जो हमारे साथ, हमारी पूंजी, हमारा खजाना हमारे लोग हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, अपने गेस्ट और अपनी टीम के साथ हमें ऑफिस में रेगुलर जाना है, हफ्ते में एक बार मिनिमम फिजिकल ट्रेनिंग, अपनी टीम को भी इन्फॉर्म करना है, उनको भी लेकर जाना है, और गेस्ट को भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कॉमन ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ कोई हाई लेवल की ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं जो उनको समझ में नहीं आएंगी। फिर अभी मैंने बोला फॉलो योर अपलाइन कैलेंडर, यस। एक चीज और जरूर बताना चाहूंगी, प्लीज इनको नोट करते जाएं, और जो नहीं कर रहे काम हम वो करें, करना शुरू करना चाहेंगे। अटेंड वन TTT स्केड्यूल्ड बाय योर अपलाइन, अपनी अपलाइन को फोन करें, स्पेशली SCD अपलाइन को, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपलाइन को, उनसे पूछिए, उन्होंने वो शेड्यूल बना रखा है, उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर, राइजिंग स्टार्स की ट्रेनिंग काफी लीडर्स करते हैं अपनी टीम के अंदर, जो वीकली होती है, वीक में एक दिन होती है, जिसमें हम स्किल्स जो हमने परिवर्तन किया उसकी प्रैक्टिस, वहां पर हम बोलना सीखते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, सिर्फ उसकी स्लाइड वगैरह होती है। तो TTT का मतलब है पूरा सिलेबस कैसे हमें बोलना है, ट्रेन द ट्रेनर, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, डेमोंस्ट्रेशन, ये सारी चीजें हमें वहां पर हफ्ते में एक दिन सीखनी है। तो अटेंड वन TTT स्केड्यूल्ड बाय योर अपलाइन, मेरी फ्रेंड्स ने बहुत सारे मेरे लीडर्स करते हैं ये चीज, तो उनसे बात करके अपना उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, और नहीं शुरू की हुई है तो इस हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, अपनी अपलाइन को बोलिए मुझे पार्ट लेना है, चाहे वो मंडे ट्रेनिंग में हो, चाहे वो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, अपनी पर्सनल ट्रेनिंग चल रही है, या फिर जो 5:30 बजे मंडे वेंसडे और फ्राइडे का टाइम रखा हुआ है वो ट्रेनिंग चल रही है, किसी में भी आप अपना इनिशिएटिव आप लीजिए। हमें नहीं याद रहता हमें किसको पार्ट देना है, हम तो जो जो मेरे पास नाम होंगे मैं उन्हीं को देती हूँ, पर अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो इनिशिएटिव आपको लेना होगा,
नाम लिखवाइए अपने अप्लायंस को, जहां पार्ट ले सकते हैं आप लोग पार्ट लीजिए। फिर बात करते हैं फिक्स योर ट्रेनिंग एरिया वाइज वेयर एटलीस्ट 4 to 5 पीपल एग्जिस्ट, वीकली स्केड्यूल बनाना है। अब मेरे एक एरिया में फॉर एग्जाम्पल हमने एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स किया, वहां पर 5 से 6 लोग मेरी टीम के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, उस एरिया में वीकली ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। बोलिए हम आएंगे 1 घंटा आपको सिखाएंगे, कैसा लगेगा सीख कर आपके घर में महीने का 10,000 आना शुरू हो जाए, उस पर्सन से बात कीजिए और उनके वहां पर 1 घंटा फिक्स करके वहां के लोगों को सिखाना शुरू कीजिए। क्या करना है मैं उस पर भी आ रही हूँ, अभी सिर्फ मैं शेड्यूल बनवा रही हूँ, कैलेंडर बनवा रही हूँ आप लोगों का। जो कैलेंडर मैंने खाली दिया है उसको भरना आपका काम है, जिसका कैलेंडर जितना ज्यादा ब्लैक या ब्लू होगा उतनी सफलता उसकी होगी, खाली होगा तो सफलता वो नहीं होगी। फिर बात करती हूँ कि 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए, कुछ भी चाहिए, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। तो फिक्स योर ट्रेनिंग एरिया वाइज, जहाँ आपके 4 से 5 लोग रहते हैं ट्रेनिंग के, जहाँ आपके 4 से 5 टीम के लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो यूज करते हैं, तो उनका मैजिक ऑनर बनवाना है, बहुत सारी चीजें करनी है, पर हमें ये फिक्स करना है अपने कैलेंडर में, एवरी मंडे उत्तम नगर, एवरी ट्यूजडे यहाँ पर, ऐसे या फिर महीने में 2 दिन फिक्स कीजिए, बट फिक्स करिए डेज को। फिर बात करते हैं वहां पर एक्टिविटीज करके अपनी टीम को बड़ा कीजिए, 4 से 5 लोग सोच कर देखिए, वहां से मान लेते हैं आपका 5,000 बीवी आता है, अब आपका फोकस क्या होना चाहिए, उस एरिया से मुझे 15,000 बीवी क्रिएट करना है, उस एरिया से मुझे 20,000 बीवी पर लेकर आना है, उस एरिया को 50,000 उसी एरिया से लीडरशिप लेकर क्रिएट करनी है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। जब आपकी सोच बड़ी होगी ना, वहां के लोग तर जाएंगे, कहते हैं ना वहां के लोगों को आप भी उनके अपने साथ लेके आगे बढ़ जाओगे। तो जब आपके कैलेंडर में एरिया फिक्स हो गया कि मुझे इस एरिया में, मुझे नजफगढ़ के अंदर, मुझे गाजियाबाद के अंदर ये टाइम फिक्स करना है, आपने उनको बोल दिया आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्किन केयर एक्टिविटी, आज हम स्किन केयर करना सिखाएंगे, आज हम एक फेशियल करेंगे, आपने कोई भी एक्टिविटी रख ली, वो अपने 5 लोग, अपने 2-2, 3-3 लोगों को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब 15 लोग बैठे और आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हो। तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी उस एरियाज में करके आप अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं, पर एक ठिकाना चाहिए, एक जगह चाहिए, एरिया वाइज आप लिखना शुरू कीजिए कि आपका अगर एक पर्सन भी कहीं रहता है और वो काम करना चाहता है, उसके साथ जाके उस एरिया को बिल्ड करना शुरू कीजिए, उसके साथ जाकर उससे बात कीजिए और वो फिर अपने एरिया में लोगों को इनवाइट करेगा। तो तरीके हमें सिखाने हैं, तरीके हमें ढूंढने हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के, शेड्यूल हमें बनाना है। फिर बात करते हैं, ये सारी चीजें करोगे तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमें कुछ करना है, जो कहेंगे हमारी भी लाइफ में हमें भी बदलाव चाहिए। तो राइजिंग स्टार उन्हीं को बोलेंगे जो आपके साथ एक्शंस में शामिल होंगे, जो सिर्फ यूजर नहीं होंगे, जिनका एक टारगेट होगा इस महीने का 1,000 रुपए का चेक चाहिए, इस महीने मेरा स्ट्रक्चर बनवा दो, इस महीने गोवा जाना है, गोवा वाले सारे राइजिंग स्टार्स हो सकते हैं आपके। तो राइजिंग स्टार सर्च कीजिए और उनको भी सिखाने के लिए अपनी अपलाइन के साथ TTT फिक्स कीजिए, अगर आप अभी इंडिपेंडेंट शुरू नहीं कर सकते तो। अगर इंडिपेंडेंट शुरू कर सकते हो लोगों को सिखाना तो इंडिपेंडेंट शुरू कीजिए। फिर बात करते हैं बिल्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय योर लीडर मेंटर्स इन योर टीम। आपकी टीम में कनेक्टिविटी के लिए क्या आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है अपनी टीम के साथ या ऑफलाइन, चेक कीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब कैलेंडर बनाना शुरू करेंगे, अपलाइन के साथ बैठेंगे, कुछ समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं फर्क पड़ता, अगर 10 में से हमने 3 पे भी काम करना शुरू कर दिया तो हमारी शुरुआत हो जाएगी। फिर बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए कम से कम आपकी अपनी पूरी टीम के साथ एक मीटिंग होनी जरूरी है। एरिया वाइज अलग चीज है जो मैंने लिखवाया आपको, बाकी सारी चीजें अलग हैं, बट एक कनेक्टिविटी के लिए मेरे बच्चे बड़े सारे मेरी फैमिली में आ गए एज ए मुखिया, एज ए चीफ, आप लोग सबको इकट्ठा कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, जैसे भी आप लोगों को इजी लगता है, तो उसमें आप 1 घंटे की पूरी टीम की कनेक्टिविटी के लिए हफ्ते में 1 घंटा निकालना शुरू कीजिए। विश्वास मानिए, जो जो मैं आपको आज एक्टिविटीज बता रही हूँ सच बता रही हूँ, अगर आपने करना शुरू कर दिया विद इन 6 मंथ्स आप अपनी ग्रोथ देखेंगे। फिर बात करते हैं अब हमें कैसे कैसे बिजनेस को और बड़ा करना है। सेकेंड ऑफ एवरी मंथ कम्युनिकेशन ऑफ आजादी का जोश टू ऑल टीम मेंबर्स
एंड रैंडम फीडबैक. करना क्या है, सबसे पहले अपने राइजिंग स्टार्स को हमने बुलाना है. ये नोट कर ले, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, अपने सारे राइजिंग स्टार्स को जो काम करना चाहते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो 10 हो सकते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो 2 हो सकते हैं, कितने भी होंगे, आप उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन 1 या 2 तारीख को मिलना शुरू कीजिए. और उनको ड्यूटीज हम बाद में बात करेंगे, उनको मिलना शुरू कीजिए, उनको आजादी का जोश लिखवाएं डायरी के अंदर. छोटी सी लंच गेट टुगेदर भी कर सकते हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो ऑन करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो कि आज हम डायरी में सारे ऑफर्स नोट करेंगे. आजादी के जोश में जितने प्रमोशंस आए हैं, एक्स्ट्रा पीवी धमाका है, अब लास्ट में भी करेंगे इस पर बात भी, एक्स्ट्रा पीवी धमाका आया है, गोवा का ट्रिप कैसे किया जा सकता है, क्यों, जो आपका पूरा प्लान होगा, आप वो शुरू में अपने राइजिंग स्टार से डिस्कस करके उनको जरूर लिखवा दे डायरी में उनकी. 7-2 तारीख तक वो लोग अपने 5-5 लोगों को फोन करके टीम के ये जरूर लिखवाएं. जब ये करना शुरू करोगे ना, आप देखिए कैसे आपकी टीम में ऑर्डर जनरेट होते हैं, कैसे आपकी टीम में लोग यूजर बनकर निकलते हैं. हम क्या करते हैं, कहते हैं घड़ा खाली का खाली. एक बार शिव जी के मंदिर में लोग गए, उन्होंने सोचा कि पानी में दूध डालना है, उन्होंने सोचा मैं नहीं भी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, पड़ोसी तो डाल के आ रहा है ना पानी में दूध. तो तीसरे बंदे ने भी यही सोचा कि मैं नहीं डालूंगा, तो जब वहां पानी डाला गया तो सारा खाली पानी था, दूध था ही नहीं. तो वो वही सिचुएशन हम सबकी होती है. हम क्या सोचते हैं, मेरी उस डाउनलाइन ने बता दिया होगा, उसको उसने बता दिया होगा, उसने उसको कॉल कर लिया होगा. इसका मतलब हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी है, हमें अपने आप, हमें चेक करना है, मेरी टीम में रैंडम कॉल करके चेक करना है किसको किसको ऑफर्स पता चल गए हैं. मान लेते हैं आप अपनी टीम में काम कर रहे हो, आपने 2 तारीख को अपनी पूरी टीम को आजादी का जोश राइजिंग स्टार्स को लिखवा दिया, आपने ड्यूटी दी उनको कि आपने अपने 5-5 लोगों को या अपनी टीम को कल तक सारे ऑफर लिखवा देने हैं फोन करके या बुलाकर या ऑनलाइन मीटिंग करके. और फिर 4 या 5 तारीख को आप जरूर अपने नीचे नीचे कॉल करके पूछिए कितने लोगों को आजादी का जोश मालूम है, आपको पता चल जाएगा कौन क्या करना चाहता है. फिर बात करते हैं 5 तारीख तक, जैसे मैं आज आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये हम अगली बार से जैसे संडे के संडे हम करेंगे करेंगे, बट आप अपना डे फिक्स कीजिए अपने राइजिंग स्टार्स के साथ उनकी गोल सेटिंग. गोल सेटिंग क्या होती है, मान लेते मेरी टीम में एक पर्सन ने बोला, मान लेते पूजा जी ने बोला कि इस महीने का चेक ना मुझे 5,000 पे चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कोई नया पर्सन है, उसने बोला 5,000 का चेक चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, 5,000 के चेक के लिए डायरेक्टर मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए मान लेते आपको 40,000 बीवी चाहिए, उसको डिवाइड करेंगे हफ्ते में, 40,000 बीवी का 10,000 बीवी चाहिए एक हफ्ते में. तो बड़े सारे तरीके हैं, हम अलग अलग होम मीटिंग्स करेंगे, या फिर उस पर्सन के नीचे 4 से 5 ऐसे लोग सर्च करेंगे जिसका महीने का 5 से 6,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बने. मतलब गोल सेटिंग ऐसे होती है कि उस पर्सन के साथ बैठ के उसके नीचे वाले पर्सन के नाम लिखना है कि 5 ऐसे कौन से स्टार हैं, कौन से राइजिंग स्टार्स हैं, कौन से उभरते सितारे हैं जो डेमो करना सीख रहे हैं, जो ट्रेनिंग में पक्का आ रहे हैं, उनके 5,000 बीवी क्रिएट करवाना शुरू कीजिए, आपका डायरेक्टर मेंटेन होना शुरू हो जाएगा. तो गोल सेटिंग करनी है हमें वीकली के हिसाब से, ये फिर आप अपने अप्लाई से अलग से सीखिएगा, मैं डिटेल में नहीं जा सकते यहाँ पर इस टाइम. फिर उनका एक्शन प्लान बनवाना है राइजिंग स्टार्स का कि वो क्या करेंगे पूरे महीने में, पूरे महीने में कैसे काम करेंगे वन ऑन. अब मैं जो लिखवा रही हूँ ये आपको शायद आसान करे आपका बिजनेस क्रिएट करने में, गोवा करवाने में, आपका काम क्रिएट करवाने में. हम क्या क्या एक्शन करते हैं, मैं एक्शंस बता रही हूँ. वन ऑन वन होम मीटिंग, हम जाकर एक पर्सन से मिलते हैं, हम मैनी-मन होम मीटिंग कर सकते हैं, हम नए लोगों के साथ फेशियल और क्लींजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं. अपने फ्रेंड को कॉल करके बोला कि मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा स्किन केयर के बारे में जानती है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ पर एक क्लींजिंग एक्टिविटी करें, और जो 1,000 रुपए का फेशियल है या 1,000 रुपए का मिनी फेशियल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने कुछ फ्रेंड्स को इन्वाइट करना है अपने आसपास के. तो इस तरीके से आप भी एक एक्टिविटी क्रिएट करवा सकते हो. और क्या हम कर सकते हैं, स्किन टेस्टिंग एक्टिविटी, अपने अप्लाइंट के साथ बात करके आप अपने एरिया में स्किन टेस्टिंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हो. क्लींजिंग एक्टिविटी पार्लर्स में भी की जा सकती है. तंबोला पार्टी, ये बहुत सक्सेसफुल तरीका है लोगों को इन्वॉल्व करने का. आप सोचिए कौन ऐसा पर्सन है जिसके पास ग्रुप है, जिसके पास लोग आते हैं, या फिर जो अच्छा रिलेशन रखता है अपने आसपास के लोगों के साथ, तो उनको बोले आज तंबोला पार्टी कर रहे हैं हम, क्या तुम चाहते हो कि हम मोदी के गिफ्ट लेकर आएंगे वहां पर और हम तंबोला पार्टी करेंगे, और 15 से 20 मिनट का अपना मोदी के प्रेजेंटेशन रखिए उसके अंदर, चाहे आप बिजनेस मीटिंग रखें उसमें, चाहे आप स्किन केयर रखें, चाहे आप आज
एक टॉपिक ले सकते हो कोरोना प्रिकॉशन पैकेज, कि कैसे कोरोना से बचा जाए। उसके लिए हमने आज 15 से 20 मिनट का लेक्चर तैयार करके आप टॉपिक रख सकते हो एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब। तो तंबोला पार्टी के बीच में 20 मिनट आप उनसे पहले बात कीजिए कि हम अपना कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला ग्रुप वाले लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं, सर्च कीजिए, आज अपनी कॉपी पे लिखिए कौन कौन किसको किसको जानते हो जो पॉलिटिक्स में है, जिनका बुटीक है, जिनके पास लोग आते हैं, जिनका पार्लर है, जो लोग किटीज चलाते हैं। तो इस टाइप के लोग सर्च कीजिए, आपके आसपास जरूर होंगे, आप उनको जानते भी जरूर होंगे, उनको प्लान जरूर दिखाएं जिनके पास ऑलरेडी लोगों का ग्रुप होता है, आपके लिए काम बहुत आसान होगा उससे। फिर एक चीज और बताती हूँ, आप अपने एरिया में एक सनशाइन किट्टी शुरू कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या बोलकर कि हम एक किट्टी शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 10 या 15 लोगों की किट्टी होगी, उसमें हम लोग खाने पीने का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हमने शुरू की थी, हमने 50-50 रुपीज इकट्ठे करते थे खाने पीने के, 500 रुपीज की किट्टी रखते थे, और जो विश्वास वाले लोग हैं उनके साथ करना है। मान लेते हैं मेरे 10 लोग शुरू हुए अभी, अब 10 लोगों ने 500-500 रुपए डाले, तो जिसके निकले 5000 रुपए हमने दे दिए, उसमें हमने मस्ती भी कर ली, उसमें हमने तंबोला भी खेल लिया, और उसके अंदर 25 मिनट का हमने हर बार एक लर्निंग एक्टिविटी रखी, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हमारे कुछ टिप्स हो सकते हैं, जिसमें हम ड्राई क्लीनिंग सीख सकते हैं, जिसमें हम स्किन केयर सीख सकते हैं, मेकअप सीख सकते हैं, कैसे भी करके इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है लोगों की, मोदी केयर से अटैचमेंट शुरू हो जाती है। तो बिगिनिंग ऑफ सनशाइन लर्निंग किट्टी के नाम से आप अपने एरिया में अपने घर से आप इस किट्टी की शुरुआत कर सकते हैं। तो सारे फ्रेंड जो जिनको मोदी केयर नहीं पता, आप उनको इनवाइट करके भी आप बता सकते हैं। आप पीएमडी कैंप लगा सकते हैं अपने एरिया में, लगवा सकते हैं अपलाइन के साथ। अपॉर्चुनिटी शेयर की, सोचिए आपका फैमिली डॉक्टर कौन है, किसके पास आप बार बार जाते हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, उसको जरूर प्लान दिखाएं। आपके ब्यूटिशियन जिसके पास आप हमेशा जाते हैं, और प्रोस्पेक्ट आपके आसपास कौन हेल्पर्स हैं, कौन इलेक्ट्रीशियन है, कौन प्रेस वाला है, कौन है जो आपको सर्विस देता है, उसे बात जरूर कीजिए, करे या ना करे, हमें अपनी लिस्ट लंबी करनी है। फिर बात करते हैं अपनी अपलाइन के साथ बैठिए आज और कल में, कुछ कॉमन एक्टिविटीज प्लान कीजिए। हो सकता है मान लेते हैं आपकी अपलाइन स्किन टेस्टिंग एक्टिविटी प्लान की, कि चलो हम स्किन टेस्टिंग करते हैं, और आप अपनी टीम के साथ दो दो लोगों को लेकर गए, तो आप सोचिए कितनी बड़ी एक एक्टिविटी प्लान की जा सकती है। आपकी अपलाइन ऑर्गेनाइज कर रही है, वो स्किन टेस्टिंग कर रही है मशीन के साथ, और आप उसमें से, और जो नहीं भी है मशीन, तो आप स्किन केयर का सेशन भी कर सकते हो। जरूरी है कि जो मैं बता रही हूँ वही करना है आप लोगों को, आप स्किन केयर का सेशन कर सकते हो। आज हम फेशियल का सेशन रख रहे हैं, सिखाएंगे कैसे स्किन केयर किया जाता है। अपनी टीम के दो दो लोगों को भी लेकर गए आप लोग, तो सोचिए कितनी बड़ी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाती है। अरेंजिंग स्किन ट्रीटमेंट सेशन फॉर योर टीम, अपनी अपलाइन को बुलाकर अपनी टीम को सिखाने के लिए स्किन ट्रीटमेंट के सेशन भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उसी सेशन में आप अपने एरिया के ब्यूटी पार्लर वालों को भी इनवाइट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बीएमडी कैंप लगा सकते हैं अपनी अपलाइन के साथ मिलकर। एक चीज और, जितने लोग सिस्टम में आ चुके हैं, इस टाइम हिस्सा बन चुके हैं, प्लीज उनके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हफ्ते में 1 घंटे की ट्रेनिंग, जिसमें आप ट्रेनिंग देंगे, आप किसी को पार्ट नहीं देंगे। आप आज पूरा हेल्थ बता रहे हो, आज आप पूरा स्किन बता रहे हो, जो आपको आता है, नहीं आता तो अपनी अपलाइन, SCD अपलाइन, ED अपलाइन के साथ बात करके उनके ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाएं। वो फिर कॉमन ट्रेनिंग सबके लिए हफ्ते में 1 दिन फिक्स कर देंगे, जिससे आपकी टीम और अच्छे से सीख जाएगी कि प्रोडक्ट की नॉलेज। नहीं तो बार बार आपको फोन करके पूछेंगे इनको क्या दें, इनका स्किन कैसे ठीक करें, इनको कैसे बताएं, इनकी ड्राई क्लीनिंग भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी टीम को इंडिपेंडेंट बनाएं। फिर बात करते हैं RFC रिटेल फैन क्लब। हम लोग टेबल लगाते हैं अपने एक एरिया के अंदर, आसपास के लोगों को बोलते हैं कि आज हमने एक यहाँ पर एक सेशन रखा है, एक मेला रखा है, उसमें आप अपने कुछ लोगों को बुलाएं, और जिनको लाएंगे हम उनके इससे कुछ भी, मतलब एक RFC होता है, अपने आपकी अप्लाइंस को बहुत अच्छे से मालूम है RFC क्या होता है। एंड ये हम शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत पहले भी हमने की है 30 डेज की ट्रेनिंग, ये आपकी टीम सब शुरू करेंगी। अरेंज अटेंड एंड अरेंज फॉर योर टीम 30 डेज नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स कंडक्टेड बाय योर SCD अप्लाइन मेंटोर। बहुत लोग करते हैं, आपको सिर्फ पूछना है उनसे। तो और हो सकता है मैं भी शुरू करूं, पर मैं 30 लोगों से ज्यादा नहीं लूंगी उस कोर्स के अंदर, और कोई चार्जेस नहीं होंगे, पर क्या होगा हम आपको बता देंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, डुप्लीकेशन जो आप करेंगे अपनी टीम को सिखाना शुरू करना है।
जो भी आप सिखाएंगे या जो भी आप प्लान दिखाएंगे वो इतना सिंपल बनाएं कि सबको लगे कि यस, ये तो डेमो बड़ा आसान है। स्टेरिक लीन कितना आसान है डेमो ये करना, तो मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि यस हम कर सकते हैं। तो कीप इट शॉर्ट सिंपल एंड डुप्लीकेबल। आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, आप कुछ भी बताते हैं, इतने सिंपल तरीके से बताएं कि सामने वाले बंदे के सीधे दिल और दिमाग में जाके लगे, और जो नया इंसान है वो कहे इतना आसान है, इसे ये सिंपल मैजिक करके इतना कुछ किया जा सकता है, तो फिर तो मेरे लिए भी आसान है। तो हमें कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं यूज करने, हमें यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस शो नहीं करनी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, हमें अपने टैलेंट शो नहीं करना है, हमें तो बुद्धू बनना है। सच बता रही हूँ, इस बिजनेस बुद्धू बन जाओ, बोलो नहीं आता हमें तो। जैसा कोई कर रहा है ना उसको सीखना शुरू करो और सेम चीज सिखानी शुरू करो। हम जब अपना दिमाग लगाते हैं नहीं इसको तो ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, फ्रेंड्स हमारी सफलता आधी हो जाती है। जब अपलाइन हो रही ऐसे करो, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरी तो मेरी टीम तो ऐसे नहीं है ऐसी है, तो वही आपकी ग्रोथ आधी हो जाएगी। इसका मतलब अगर कोई आपको सिखा रहा है, सिस्टम समझा रहा है, सिस्टम फॉलो करने को कह रहा है, तो आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कीजिए। जब आप बोलोगे नहीं मेरे साथ तो, मैं तो ऐसे नहीं कर सकती, तो फिर इसका मतलब वो अपलाइन साइड हो जाएगी। क्या लगेगा उसको कि इसने तो मेरा कहना मानना ही नहीं है, तो क्यों ना दूसरे पर्सन पे ज्यादा काम किया जाए। ये सच्चाई बता रही हूँ, इस बिजनेस का ड्रॉबैक भी है प्लस पॉइंट भी है कि जब आप अपनी अपलाइन को फॉलो नहीं करोगे, एक समय के बाद अपलाइन बोले कि ठीक है तेरे को जैसे करना है वैसे कर, मैं फिर किसी और के साथ जाके काम करूंगी, क्योंकि अपलाइन को तो काम करना है, आपको तो काम करना है। जब आप अपनी टीम के साथ सेम करेंगे, और कुछ लोग ऐसे आएंगे कि नहीं मुझे तो अपने तरीके से करना है, मुझे तो सब कुछ आता है, तो आपको क्या लगेगा कि छोड़ो इसको, इसको जैसे करना है करने दो, इसको बस बात करते रहेंगे इससे, और दूसरों के साथ काम करेंगे जो खुद को सरेंडर करने को तैयार है। तो अपने आप बिजनेस को इतना सिंपल एंड डुप्लीकेबल बनाएं और सिस्टम को फॉलो करें ताकि हर कोई इस चीज को कर सके। ग्रेट फॉलोअर्स बिकम गुड लीडर्स, ये बहुत अच्छी लाइन है। अगर आप अपनी अपलाइन को फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी अच्छे लीडर खुद बनोगे और अपनी टीम को भी वैसे लीडर बना पाओगे। फिर डुप्लीकेशन पर आते हैं, पीपल डू व्हाट वी डू नॉट व्हाट वी से। लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। इसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी जॉगर, मैं नहीं बता रही हूँ डिटेल में, ये आप सबको पता है मेरे हिसाब से, आपके अपलाइन से आपको ट्रेनिंग दे रखी है कि हमें लिस्ट कैसे बनानी है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंडस्ट्री में लोग रहते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, पड़ोसी हैं, डिपेंडेंट्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, फिर दूर के बजाय पास से शुरू कीजिए, नियर बाय जिनको आप सर्विस दे सकते हो। कई लोग शुरू में सोचते हैं हम आउट सेशन शुरू कर दें, आउट सेशन तब बिल्ड कीजिए जब महीने में एक या दो चक्कर आप खुद लगा पाओ। सिर्फ ज्वाइन करवा कर आ जाने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक बार बिजनेस क्रिएट कर लोगे दूसरी बार वो लोग कहीं और कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आप महीने में दो चक्कर लगा सकते हो तो आप जरूर आउट सेशन कीजिए, या एक चक्कर भी लगा सकते हो महीने में तो जरूर आउट सेशन कीजिए, और नहीं सर्विस दे सकते तो प्लीज मत कीजिए। फिर अपने आसपास के लोकल एरिया में काम शुरू कीजिए, स्ट्रेंजर्स ढूंढिए, कैसे भी कीजिए, जहां आप जाकर कनेक्टिविटी बना पाए, सर्विस दे पाए। दूसरा अगर आउट सेशन कर भी रहे हैं कोई बात नहीं करिए, एक महीने में एक चक्कर लगा लीजिए, उसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कीजिए उन लोगों के लिए ताकि आपके साथ वो लोग बंधे रहें। फिर बात करते हैं शॉर्टलिस्ट कीजिए, जिन लोगों के नाम लिखे हैं, कौन एम्बिशियस है, किसको जरूरत है, कौन यंग है। आज पॉकेट मनी की हर बच्चे को जरूरत है और वो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, तो यंग लोगों को जरूर बताएं। स्टूडेंट्स का सेशन रखवाएं अपलायंस के साथ। फिर बात करते हैं लेडीज, बहुत समय होता है और बहुत एम्बिशियस होती है, बहुत कुछ चाहिए उनको, इसलिए मोदी केयर में सक्सेसफुल होती है। फिर बात करते हैं जो लोग ट्रस्टवर्दी हैं, इस तरीके से आप अपनी टीम को छोटा कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, 10,000 के चेक कमाने के लिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आज है 4 तारीख, सोच लीजिए, सच कह रही हूँ, सोचने में पावर है, लिखने में पावर है। आज 4 तारीख है, 10 तारीख तक सोचिए मुझे 6 लोग तैयार करने हैं, 6 नई ज्वाइनिंग लेकर आनी है, और जो ऑडिट टीम का हिस्सा है उनसे भी बात कर सकते हैं। आप सोचिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है 6 का, कैसे बनाना है मैं अभी इस लाइन पे बताती हूँ आपको। यहाँ पर है आप, एक ए पर्सन है, कुलदीप मेरी विजिबल है मेरी स्क्रीन जो मैं लिख रही हूँ? हाँ जी मैम। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा। आपने 6 का स्ट्रक्चर बनाना है, 10,000 के चेक का फॉर्मूला लिखवा रही हूँ कि आप 10,000 का चेक कैसे लाएं और टाइटल को मेंटेन कैसे करें, जो आज का एजेंडा था हमारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कंपनी ने गोवा के लिए 4 दिए हैं, मैं 10,000 के स्ट्रक्चर के लिए 6 बता रही हूँ आपको।
आपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, अभी तक जितना सीखा उसको फॉलो करते हुए अपने 6 को ज्वाइन करवाया, हो सकता है स्किन टेस्टिंग एक्टिविटी की हो सकता है आपने स्किन केयर का सेशन दिया हो सकता है वहां पर आपने होम मीटिंग की हो सकता है अपनी अपलाइन को बुला, कैसे भी आपने उस 6 पर्सन को लेकर आए, इस बिजनेस का हिस्सा बनाया। अब आपने उन 6 को सेम चीजें बोली कि चलिए मिलकर करते हैं। अगर वो लोग आपके साथ 3-3 लोगों के साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब गोवा चल रहा है तो 4 पे फोकस कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए एक सिस्टम बनाते हैं, आज के बाद 10 तारीख तक हमने अपनी पर्सनल 6 ज्वाइनिंग करवाई मान लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ जी आपने अपनी 6 ज्वाइनिंग करवाई, फिर आपने डुप्लीकेट किया, उन 6 को बोला अपने 6-6 लोगों के साथ हम काम करेंगे आपके, आपने उनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की, पूरे महीने में अपनी 6 अपनी कर ली, 10 तारीख से पहले उनके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की, उन्होंने भी सेम 36 बनाया और वो फिर बनाए 6, तो 216 लोग हो जाते, 216 प्लस 36 प्लस 6, बट ये रियल मॉडल नहीं है। हो सकता है आप 6 कर लो पर जो नया इंसान आया वो 6 ना कर पाए, तो क्या हो सकता है उस केस में। आइडियल स्ट्रक्चर हमारा यही है, बट रियलिटी क्या है, रियलिटी पे आते हैं। अब 11 से 20 तारीख तक मान लेते हैं आपने बनाया आइडियल स्ट्रक्चर 6 वाला, और आपने सोचा कि नीचे वाले भी 6-6 करेंगे, नहीं करेंगे, कोई 2 करेगा, कोई 3 ज्वाइनिंग करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 1 करेगा, एवरेज लगा के चलते हैं 3 का, 6 की जगह 3 का मान लेते हैं। उन्होंने 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाया, किसी ने 4 तो किसी ने 2, किसी ने 1 भी नहीं तो किसी ने 5, तो इस तरीके से आपके नीचे मान लेते 18 लोग आ जाते हैं, उनके नीचे 6 के नीचे 18, इसको बोलते हैं फ्रेश टीम 25। आपने शुरुआत की, आपने 6 लोगों स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने आगे 3-3 का स्ट्रक्चर बनवाया, तो आप मिलकर हो गए 25 फैमिली मेंबर्स आगे मोदी केयर में। तो 25 फैमिली मेंबर्स मिलकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अभी हम बात करते हैं उसके आगे। मान लेते हैं 6 आपने ज्वाइन करवाए थे, आपने उनको हेल्प की, उनको सिखाया, उन्होंने डेमो करने सिखाए, उन्होंने 3-3 लोगों को ज्वाइन करवाया, बन गए 24, फिर उन्होंने उन 18 लोगों ने 2-2 लोगों को अपने साथ किया तो बन गए 36। हो सकते है 6 महीने में बने, हो सकते है 1 महीने में बने, यहाँ 1 महीना मैंने लिखा है, आप सोच के चलिए आपकी स्पीड के ऊपर है। अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो भी आप बना सकते हो इसको, अगर आप फुल टाइम में कर रहे हो तो भी बना सकते हो, पर आप कभी कभी कर रहे हो तो 6 महीने भी लग सकते हैं इस स्ट्रक्चर में आने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बिजनेस की तरह ले रहे हो या कभी कभी करने में आप काम कर रहे हो। तो चलिए यहाँ बात करते हैं, पहले आपने 6-6 लोगों को बताया, उन्होंने 3 को, उन्होंने 2 को, मैं फिर वापिस आ रही हूँ इस पर, ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है मैं इस पर फिर से दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को। ये आपके 6 लोग हैं, वो 6 ने आगे 3-3 बताए, 3-3 लोगों को एनरोल करवाया, वो बन गए 18, 6-3, 18, ये 18 आपके लोग, आपकी फ्रंट है सारी, 6 आपकी फ्रंट है, 3 उनकी उनकी फ्रंट है, तो मिलकर हो गए 24, और 1 आप, ये मिल गए टीम 25। ये टीम 25 की नॉलेज मैं अगली ट्रेनिंग में दूंगी अगले संडे को, कि टीम 25 क्या है, क्या करना है टीम 25 के साथ मिलकर, वो अगली ट्रेनिंग में जानेंगे। ये टीम 25 के साथ साथ मान लेते हैं इन जो 6-18 लोग हैं, इन्होंने 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाया, 2 की एवरेज है, कोई 3 करवाएगा, कोई 1 करवाएगा, कोई 1 भी नहीं करवाएगा और कोई 2-2 करवाएगा, तो 6-3, 18-2, 36, ये 36 का मॉडल हमने बनाया हुआ है। तो 36 प्लस 18 54 प्लस 6 60, इसको बोलते हैं फॉर्मूला 60, हमने इसको फॉलो करना है जब भी हम वो बिजनेस करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो ये है हमारे 60 लोग। अब ये 60 लोग अगर कुछ करते हैं तो आपका 10,000 का चेक कैसे आता है, इस पर बात करते हैं। 6 फिर 3 फिर 2, इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स। 60 कंसल्टेंट आपने बना लिए अपनी पूरी टीम के अंदर, और अगर वो लोग 4,000 की शॉपिंग करते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, और 2,000 बीवी बनाते हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने अपना 60 लोगों का एक फॉर्मूला तैयार कर दिया और हर नए पर्सन को सिखाया कि आपने 6 का स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि 6 से सारी इनकम आ जाती है सिर्फ 1 इनकम को छोड़कर, फिर उन्होंने 3-3 का स्ट्रक्चर बनाया, फिर उन्होंने 2-2 का ही बनाया, तो फॉर्मूला 60 काम आया। अब मान लेते हैं 4,000 रुपए की वो शॉपिंग कर रहे हैं, और आइडिया 50% बीवी 2,000 बीवी, और 2,000 बीवी गुना 60 120,000 जीबीवी बन जाता है, तो 10% के हिसाब से 12,000 के आसपास, 12,000 से 15,000 रुपए का चेक इस सिस्टम के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं।
अगर आपने इसको फॉलो किया, मान लेते वो 4,000 की शॉपिंग नहीं करती है, वो 3,000 की शॉपिंग करते, कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 2 भी करेगा, एवरेज मैंने यहाँ 3,000 लिखा, कैसे करेंगे टीम 25 में बताऊंगी, कैसे आप सच में फॉर्मूला 60 पे काम कर सकते हो। फिर 1500 बीवी आया, 1500 बीवी को 60 से मल्टीप्लाई किया, 90,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो गया, आपका चेक बना 10,000 प्लस। तो इस फॉर्मूले से पे काम करेंगे अगर हम, तो हम बन सकते हैं यहाँ पर आराम से डायरेक्टर, और जो डायरेक्टर हैं वो इस फॉर्मूले पर वर्क करके अभी तक जो सीखा फाइन, फिर से शुरू कर सकते हैं इसको फॉलो करना। तो 10,000 के आसपास आप अपने पर मंथ का चेक ले सकते हैं। टीम 25 अगली बार करेंगे कमिंग संडे को, कि टीम 25 में करना क्या होगा, उसके साथ ट्रेनिंग कैसे देनी होगी, उनको कैसे 100 पीवी पे काम करना होगा, ये सब सिखाऊंगी अगली बार। तो इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी लास्ट, कि राइट, क्योंकि अभी आप जाइएगा नहीं, अभी 10-15 मिनट अभी बैठेंगे एक साथ, अब बात करते हैं चेक कैसे करते हो अपने साथ उन लोगों को जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं। ये हमारा एक क्राइटेरिया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ये क्राइटेरिया क्या है। आप अपने लोगों को मिलते हो, आपको नहीं समझ में आता किसको समय देने किसको समय नहीं देना, किसके साथ काम करना है किसके साथ काम नहीं करना, तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए, टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, आप लोग समझना शुरू कीजिए कि जो करना चाहेगा हाथ पकड़ लेंगे, जो नहीं करना चाहेगा उसको यूजर रहने देंगे। ये हमने सोच लेना है, ये दिमाग में रखना है कि जो काम करना चाहता है मीटिंग करनी है, जो नहीं करना चाहता उसको यूजर रहने देना है, उसके साथ रखनी है, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना, जिसका जो समय आएगा वो भी करना शुरू कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं एटीट्यूड, चेक कीजिए कौन है जो हर बात पे नेगेटिव स्टेटमेंट बोलता है, कंपनी तो ऐसी है, कुछ मिलता तो है नहीं, और कौन है जो हर बात में पॉजिटिव रहता है, जो पॉजिटिव रहता है वो जल्दी साथ देगा, पावराइजिंग स्टार है। फिर सोचिए कौन है जिसकी सोच बहुत बड़ी है, और कौन है जो छोटा सोचता है। ऐसा नहीं है कि छोटा सोचने वाले बड़ा नहीं सोच सकते हैं, समय लगता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, छोड़ना किसी को नहीं है, पर समय किसको पहले देना है आपको डिसाइड करना है। नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में बदल सकते हो ट्रेनिंग्स के थ्रू, पर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेशेंस रखना है उनके लिए। पर जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनकी सोच बड़ी है, जिनका विजन बहुत बड़ा है, जिनका विश्वास बहुत स्ट्रोंग है, उनको समय देना शुरू कीजिए, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो राइजिंग स्टार है आपके। फिर देखिए कौन है जो आपके साथ पेशेंस रख के कमिटमेंट देने को तैयार है, 3 महीने के लिए आए हैं बिजनेस में, 3 साल देना चाहते हैं, लिखवाइए उनसे, पूछिए शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, 3 साल में बरगद का पेड़ बनाना है या प्याज के पौधे की तरह 3 महीने में बिखर जाना है, सोच कर देखिए, पूछ कर देखिए, और खुद भी चेक कीजिए अपने आप को इनमें से हम क्या है। लॉयल्टी, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको फोन करके बार बार बोलना पड़ता है, यार 25 तारीख आने वाली है, 15 तारीख हो गई है, लॉयल्टी नहीं डाली है। कुछ ऐसे होते हैं जो आप देखते हो अपना बिजनेस, और इसे तो 2 तारीख को ही बिजनेस डाल दिया, इसे 3 को ही बीवी कर दिया, तो राइजिंग स्टार कौन है, जो ऑटोमेटिक कर रहा है वो आपका अभी राइजिंग स्टार है, पर ट्रेनिंग में आने के बाद हो सकता है जो फोर्सफुली डालते हो वो भी समय के साथ साथ बदल जाए। पर मैंने फिर बोला क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें लोगों को सही तरीके से, जैसे आपके 2 बच्चे हैं, एक जिद्दी है और एक बहुत जल्दी कहना मान रहा है, आप उनको अलग अलग तरीके से डील करते हो, हमें भी ऐसे ही सीखना है। तो ऑटोमेटिक डालते हैं या फोर्सफुली डालते हैं, जो ऑटोमेटिक डालते हैं उनको जल्दी काम कीजिए, उनके साथ मीटिंग प्लान कीजिए। फिर बात करते हैं पहले हफ्ते में लॉयल्टी करते हैं, लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, नाम नोट कीजिए उन लोगों का अपनी डायरी में जो पहले हफ्ते में डालते हैं, उनके साथ कुछ मीटिंग्स प्लान कीजिए, लॉयल्टी की गेट टुगेदर रखिए उनके साथ, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज प्लान कीजिए मस्ती के लिए भी। फिर बात करते हैं कौन है जिसको बार बार ट्रेनिंग में धक्का देना पड़ता है, बार बार कॉल करना पड़ता है, ट्रेनिंग शुरू होने वाली, जल्दी आओ, जल्दी ज्वाइन करो, और कौन है जिसको एक बार बता दी कि इस हफ्ते को इस दिन इतने बजे ट्रेनिंग रेगुलर होती है, तो आपने चेक किया कि वो क्या लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं है, क्या वो वीडियो ऑन करके अच्छे से नोट करता है कि नहीं करता, या फिर किचन में बस लीड लगा के सुनने को तैयार है, या फिर ऑन ही नहीं करता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा जब आप लोगों से बात करनी शुरू करेंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड यस और क्वेश्चन मार्क। एक्शन, आपने बोला आज ना बुक पढ़नी है, चेक कीजिए बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी। आज आपने बोला आज ना 5 लोगों को ना तुमने ऑफर बतानी है, चेक कीजिए किया या नहीं किया। एक्शंस चेक कीजिए कौन है जो आपका जल्दी कहना, किसी को आपने बोला कैलेंडर भेजिए, किसी को आपने बोला आज अपना ये भेजिए, चेक कीजिए कौन कितनी जल्दी आपका कहना मानता है, आपको समझ में आ जाएगा कौन आपका राइजिंग स्टार है, कौन आपका चैंपियन है। बात करते हैं डुप्लीकेशन, चेक कीजिए कौन
जो आप सिखा रहे हो अपने 5 लोगों को जाके सिखाता है कि नहीं सिखाता। आज आपने अपनी ट्रेनिंग में नोनी जूस की ट्रेनिंग दी, क्या वो 5 लोगों को जाके नोनी जूस की ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। आज आपने केवाईसी करना सिखाया अपनी ट्रेनिंग के अंदर, क्या वो अपने 5 लोगों को ट्रेनिंग बुला के ट्रेनिंग दे रहे। फ्रेंड्स यही बिजनेस है और कोई बिजनेस नहीं है। रिलेशनशिप हो सकता है किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, लोग बड़ा ट्रस्ट करते हो, वो आपका राइजिंग स्टार हो सकता है। सिस्टम को फॉलो करते हैं या अपना दिमाग लगाते हैं, चेक कीजिए। सिस्टम ऑटोमेटिक फॉलो करते हैं या फोर्सफुली करते हैं, बार बार कहने से करते हैं, चेक करना शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन राइजिंग स्टार है। और अगर हम एक्शन प्लान की बात करें, 2021 है, गलती से 2020 लिखा हुआ है, यही तरीका है 1 लाख पे जाने का, यही तरीका है 10,000 कमाने का। राइजिंग स्टार को नाम लिखिए डायरी के अंदर आज, उन पर समय लगाएं, उन पर समय बिताएं, ना कि हर इंसान पर। हर पर्सन नहीं इस सिस्टम में सफल होता, और हर पर्सन ऐसा भी नहीं कि सफल नहीं हो, धीरे धीरे भी वो बिजनेस का हिस्सा बन के सफल हो जाते हैं। पर अपना समय अभी बिताएं राइजिंग स्टार्स पर, उनको ऑब्जर्व करें जो मैंने अभी क्राइटेरिया बताया, उनको ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेन द ट्रेनर का हिस्सा बनाएं, सिस्टम के साथ प्लग इन करें, नोट्स डेट्स लिखवा दें, इस दिन ये वाली ट्रेनिंग्स है, इस दिन हम ये करने वाले हैं। काउंसलिंग करें टाइम बाय टाइम, हर हफ्ते में उसकी हर दूसरे दिन काउंसलिंग करवाएं, अपलाइन के साथ या अकेले, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। राइजिंग ये नहीं कि आज फोन किया, हमने अपना स्ट्रक्चर बनवा लिया, 30 दिन के बाद पूछा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। रिलेशनशिप एवरी वीक आपके साथ बात हो, उनकी उनकी गोल सेटिंग करवाएं, उसके साथ उनका विजन क्लियर करके उनको भी इस बिजनेस का सिस्टम का हिस्सा बना के उनको भी सिखाएं कि कैसे आप इस बिजनेस में 10,000 कमा सकते हो। इसका मतलब आज जो मैंने बताया छोटा काम नहीं है, इस पर आपने बहुत सारा काम करना है, बहुत बड़ा होमवर्क है। हम भागते बहुत हैं पर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं, हम भागते बहुत हैं पर भूल जाते हैं कि अभी डायरेक्टर अबव की मीटिंग है, हमने अपने लोगों को इनवाइट करना है। हम भागते बहुत हैं, भूल जाते हैं कि 5:30 बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, अपनी टीम को जो लोग ऑफिस में नहीं आ रहे हैं या जो लोग कहीं भी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है उनको इनवाइट करना है। भूल जाते हैं कि आउट सेशन में हम इतने सारे लोगों को इनवाइट करते हैं या ज्वाइन करवा कर आए हैं या फोन पे ज्वाइन करवाया है, उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना है। हम काम करते रहते हैं और 5:30 बजे जैसे समय होगा ट्रेनिंग का, 5:20 पे कॉल करके मैसेज करेंगे कि ट्रेनिंग को ज्वाइन करो, वो काम नहीं करेगी चीज। इसका मतलब जब आज 4 तारीख है, मेरा कैलेंडर बना होगा और मेरे राइजिंग स्टार्स के साथ बैठकर उनकी प्लानिंग करवाई होगी जो गोवा जा रहे हैं या जाने वाले हैं, जिनके नाम आपने भेजे हैं, कई लोगों ने भेजे हैं अपनी 5 ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, क्या उन 10 को आपको पता है कि आप गोवा लेके जाना चाहते हो? क्या उन 5 जिनको आपने गोवा में ऐड करवाना है, क्या उनको पता है कि आप 5 लोगों को लेके जाना चाहते हो, या सिर्फ अपने दिमाग में नाम रखे हुए कि अपने उनको लेके जाना है? तो फ्रेंड्स अपने सपने से उनके सपने को कनेक्ट करके आप उनके साथ बैठिए, इकट्ठे बैठकर चाय पीजिए, इकट्ठे बैठकर। तो जब ये चीजें करनी शुरू करोगे रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ड्रीम स्ट्रोंग होगा, कनेक्टिविटी स्ट्रोंग होगी, विश्वास पक्का होगा, और जब एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के आप बोलोगे कि यस हम कर सकते हैं, तो वहां पर कभी भी चीटिंग वाला केस नहीं आता, कभी हम किसी को चीट नहीं करते हैं। फ्रेंड ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये चीटिंग का बिजनेस नहीं है, किसी का पैसा नहीं लगवाना है। हाँ अगर मैजिक ऑनर बनाने के लिए किसी ने गोवा का ट्रिप किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैजिक ऑनर से उसका बिजनेस बढ़वाएं। हो सकता है आपकी टीम में किसी ने गोवा किया और अपना पैसा लगा के 4 ज्वाइनिंग की हो सकता है, गलत नहीं कह रही हूँ, डाउट नहीं है, है ऐसे लोग। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम एक जिम्मेवारी आ गई है, उनका जो मैजिक ऑनर आपने बनवा दिया है, जो उनके घर में सामान आ चुका है, उसका कुछ हिस्सा वो घर में यूज करेंगे, बाकी का जो हिस्सा है वो मैजिक ऑनर में लगाएं और उनको बोलें कि चलो अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, उनको बोलो मैंने बिजनेस शुरू किया है, मुहूर्त है उसका, हम लोग बिजनेस इनॉग्रेशन कर रहे हैं और आपको उसमें आना है, आपका वेलकम है। टाइम फिक्स कीजिए, डे फिक्स कीजिए, वहां पर कुछ तबोला रखिए, कुछ एक्टिविटीज प्लान कीजिए और वहां पर कुछ ऑफर्स निकालिए। फ्रेंड जो 15-20 हजार का सामान है ना, 5-7 हजार का, तो उसी दिन जा सकता है। विश्वास मानिए, करके देखिए, इससे टीम बड़ी होती है, इसे उस इस इंसान को जिसको गोवा लेके जा रहे हो, जिसने सामान रखा है अपने घर पर, वो इस महीने दोबारा सामान लेना आसान नहीं होगा उस पर्सन के लिए। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है उसके साथ एक्टिविटीज करें, चाहे स्किन टेस्टिंग करें, चाहे जो मैंने अभी बिजनेस इनोग्रेशन बोला, बिजनेस का मुहूर्त कर रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को इनवाइट करें, उसमें आप जाके उसके साथ काम कीजिए,
उसे ज्वाइनिंग्स आती हैं, उसे सामान निकलता है और आने वाले टाइम में उस एरिया में टीम बड़ी होती है और वहां उस एरिया में आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि किसी को ज्वाइन करवाकर छोड़ना नहीं है। प्लीज 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 उसका हाथ पकड़िए, उसको हाथ पकड़ के उसका कमिटमेंट लीजिए कि महीने के 10,000 रुपये लेके जाना है। उस इंसान को रास्ता दिखाएं। हाँ, अगर वो चलने को तैयार नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाए, फिर उसको यूजर ही रहने दे। छोड़ना फिर भी किसी को नहीं है। और मैंने बोला क्रिटिसाइज नहीं करना, गलत नहीं बोलना, सामने वाले बंदे की मर्जी है, करेगा तो उसकी इच्छा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में भी है ही नहीं। पर पेशेंस रखना है हमें इस बिजनेस के अंदर, पर गलत तरीके से नहीं करना, ज्यादा नहीं बोलना है और सिस्टम को फॉलो करना है। और लास्ट, आजादी का जोश हमें पता होना चाहिए। जो इस मंथ के ऑफर्स हैं, फटाफट लास्ट के 10 मिनट में आशीष जी आकर हमें ऑफर्स बताने वाले हैं और कैसे एक्स्ट्रा पीवी का फायदा लेकर हम बहुत जल्दी अपने टाइटल को 10 तारीख से पहले मेंटेन कर सकते हैं और फिर गोवा ट्रिप क्वालिफायर्स ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ। 10 तारीख तक अगर 850 जीपीवी कर लेते हैं, जो भी 15% जो भी 16% पर है, और 850 जीपीवी कर लेते हैं, उनका टाइटल मेंटेन हो जाएगा और डायरेक्टर बोनस ऐड हो जाएगा। प्लस उसके बाद 20 दिन है अपने, उसको प्लान करके आप गोवा क्वालिफाई और करवा सकते हैं। तो चलिए ओवर टू आशीष जी, जो हमें बताने वाले हैं कि आजादी का जोश क्या है और जल्दी से उसको कवर करेंगे ऑफर्स को। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मंथ की कौन कौन सी ऑफर्स हैं। एक सेकंड का टाइम दो। इन द मीन टाइम तब तक ओपन हो रहा है, किसी को कोई डाउट है पिछली ट्रेनिंग को लेकर तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, कुलदीप जी अनम्यूट कर देंगे। तब तक हम इसको ओपन कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले अभी राजेंद्र जी आप 5 मिनट का टाइम दो, फिर सबके क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर क्या है। सबसे पहले तो एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर की जो डेट है वो 4 अप्रैल है। आज शाम को 6 बजे के बाद सिस्टम अभी ओपन होगा, अभी ओपन नहीं हुआ है। और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल लास्ट डेट है। गेट 50% एक्स्ट्रा पीवी। और इसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि आप 50 पीवी मिनिमम डालेंगे तो इस ऑफर का बेनिफिट ले पाएंगे। और 50 पीवी में आप कुछ भी डाल सकते हैं और ये मल्टीपल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको, आज आपने 30 पीवी का ऑर्डर डाला और अगर 10 तारीख को आप 20 पीवी डाल देते हैं तो भी आपका ले काउंट हो जाएगा। तो आपको 50 पीवी पे 50% यानी कि 25 पीवी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप 100 करेंगे तो 50, 150 करेंगे तो 75, 200 करेंगे तो 100, और अगर 250 करेंगे तब भी 100 ही मिलेंगे। मैक्सिमम कैपिंग इज 100 और इसमें आप कोई भी सामान ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो आप नोट कर रहे हैं, एंड में हम सारे क्वेश्चन आंसर लेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑफर की। लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे कि हम सब जानते हैं बाय डिफॉल्ट 2500 रुपए तक या 2500 प्लस तक लॉयल्टी प्रोग्राम है, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना इसको 2500 से 1500 किया गया और 80% रिड्यूस किया गया। मतलब अगर आप 1500 रुपए से लेकर 2499 की डीपी की शॉपिंग करते हैं तो 80% आपका ऐड होता है। 1500 पे अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपका 1200 काउंट होता है। 2000 करते हैं तो 2000 का 80% 1600 काउंट होता है। लेकिन जैसे ही 2500 क्रॉस करेंगे, 2500 करेंगे तो आपका पूरा 2500 काउंट होगा। तो अभी 2 महीने के लिए टाइमिंग और बढ़ाया गया है, अप्रैल और मई में भी 1500 रुपए से भी आप लॉयल्टी कंटिन्यूशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आजादी का जोश का ऑफर है,
आजादी का जोश अप्रैल 2021 जो अप्रैल मंथ का हमारे पास ऑफर की लिस्ट आई है, एक सेकंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और बहुत सारे कॉस्मेटिक के ऑफर भी आए हुए हैं। और एक्स्ट्रा पीवी के लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि हम सब जानते हैं इसके लिए केवाईसी होना मैंडेटरी है, मेंटेनिंग और जंपिंग योर लेवल, चाहे कोई डायरेक्टर है चाहे कोई 13% पे है और वो नेक्स्ट लेवल जंप करने के सोच रहा है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा पीवी ऐड होगा और आप मल्टीपल में डाल सकते हैं। और जो मैंने बताया सब कुछ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, मिनिमम 50 पीवी से आप ले फायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम आपको 100 पीवी एडिशनल मिलेगा। आप 150 भी कर सकते हैं, आपको 75 पीवी मिल जाएंगे, 200 करेंगे तो 100। और ये ऑफर किसके लिए है? सबके लिए है, चाहे कोई पर्सन आज ज्वाइन करता है उसके लिए भी ये ऑफर है। और एक्स्ट्रा पीवी जो फास्ट 10% FSP या फास्ट डायरेक्टर में एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होते हैं, मतलब अगर कोई फास्ट स्टार्ट कंसल्ट सीनियर कंसल्टेंट बनता है तो वो 240 पीवी से नहीं होगा, वो 6480 बिजनेस वॉल्यूम से होगा। और एक्स्ट्रा पीवी के लिए जैसे मैंने बताया केवाईसी होना मैंडेटरी है। और कोई भी ऑर्डर आप कैंसिल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं गोवा का ऑफर चल रहा है 2 नाइट 3 डेज का। सबसे पहले तो इसमें एक चीज क्लियर करते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जो पहले था वही सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है एक्स्ट्रा पीवी उसमें काउंट नहीं होगा। पहले 50 पीवी था, 50 को 27 से मल्टीप्लाई करा तो 1350 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। सेम वही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बिजनेस वॉल्यूम से होंगी। आपने 7% से लेकर NQD तक 1350 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल करना है और 4 फ्रंट का 10,800 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम वही सेम है। और मिनिमम 50 पीवी जो बोला गया था वो 1350 ग्रुप या पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, उसमें एक ही सिर्फ चेंज है कि आपका बीवी से काउंट होगा, पीवी से नहीं होगा। और जो हमारे पास ऑफर्स हैं, सबसे अच्छा ऑफर है इस बार मेरे हिसाब से वो है फैमिली पैक एनवायरो चिप। अगर आप 4 चिप का फैमिली पैक लेते हैं तो उसके साथ आपको एक एनवायरो चिप और एक मोरक्कन कंडीशनर, अप्रोक्सीमेटली 1916 रुपए का सामान लेने पर आपको 1000 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उससे पहले रीपर्चेज की बात करें, 1000 के ऊपर स्पिक एंड स्पैन, 2000 के साथ स्टेरिक्रीन, 3000 के ऊपर टोनर और 5000 के ऊपर टी ट्री ऑयल प्लस एंटी एजिंग नाइट क्रीम आपको मिलेगी। और जो मैंने आपको पहले बताया ले देखो, ले ऑफर है, इसको आप सबसे ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, एक एनवायरो चिप फैमिली पैक। हम सबके घर में जितने मेंबर्स होते हैं उतने फोन होते हैं, और अगर किसी ने आपने भी नहीं लिया तो आपके लिए भी मौका है ये फैमिली पैक का ऑफर लेने का। तो इसमें आपको 1916 रुपए का डीपी प्राइस का लेने पे 1174 के MRP के गिफ्ट फ्री मिल रही है। और ये ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट होती है, अगर मोरक्कन कंडीशनर अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो ये ऑफर नहीं मिलेगा, तो आपको फिर चिप ही मिलेगा। और न्यू ज्वाइनिंग के लिए दोबारा से ऑफर है, अगर न्यू ज्वाइनिंग मतलब जिसकी ज्वाइनिंग अप्रैल में होती है या हो चुकी है या होगी, उनके लिए ऑफर है बाय 2 मोदी के एनवायरो चिप गेट, उनके लिए 2 के साथ 1 अवेलेबल होगी, बट वो एक ही बार ले सकता है। जो न्यू ज्वाइनिंग है वो ऑफर ले वाली एक ही बार ले सकता है इस मंथ के अंदर, नेक्स्ट अगर वो और लेना चाहेगा तो उसे फैमिली पैक या 10 चिप के ऊपर 3 चिप की ऑफर है वो ले सकते हैं। और कॉस्मेटिक की भी बहुत, 10 एनवायरो चिप लेने पे 3 एनवायरो चिप फ्री है। और कॉस्मेटिक के जैसे लास्ट टाइम ऑफर थे, इस बार भी बहुत सारे ऑफर्स हैं। 1600 रुपए पे कैल्शियम मल्टीविटामिन जो लास्ट टाइम ऑफर थे, और एनवायरो ग्लोब के ऊपर 1 एनवायरो चिप है। एक्टिविटी की भी ऑफर चल रही है, अगर कोई एक्टिविटी लेना चाहे तो एक्टिविटी ले सकता है, बाई एनी अर्बन कलर प्रोडक्ट 1599, तो आपको उसके ऊपर लास्ट टाइम कैल्शियम मल्टीविटामिन या गाजर में से एक था, इस बार डिटॉक्स है 457 जिसका डीपी है, वो आप ले सकते हैं 1600 रुपए के ऊपर। और ये भी टिल स्टॉक लास्ट है, अगर डिटॉक्स अवेलेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा। और दूसरा ऑफर क्या है, अगर आप 1600 रुपए के प्रोडक्ट लेते हैं तो आप एक टेल्क और एक डीओ भी ले सकते हैं। अगर आप वो ऑफर नहीं लेना चाहते
तो आप ले ऑफर भी ले सकते हैं। और ये मल्टीपल में है, अर्बन कलर की ऑफर आप 1600 के लेंगे तो एक बार मिलेगा, 3200 भी ले सकते हैं, 4800, 1600 के मल्टीपल में ले सकते हैं ये सारी ऑफर्स। लिपस्टिक की भी ऑफर है, तो ये बहुत सारी ऑफर्स हैं। आप सबके पास आजादी का जोश आया हुआ है, तो आप इसमें से कुछ भी ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। राजेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आप चैट में लिख सकते हैं या मुझे अलग से कॉल कर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी वीना जी आप अपने वीना जी आप अपने आप को अनम्यूट। एक्स्ट्रा पीवी गोवा में पीवी गोवा में काउंट नहीं होगा। मैंने आपको मैंने आपको बताया ना पीवी वो पीवी में इसीलिए कन्वर्ट करने का मतलब ही नहीं है। वीना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कर सकते हैं मिलेंगे। आवाज ना सर आपकी भी हो रही है, मेरी भी हो रही है। जूम किया कुछ एक बार है आप एक बार सीमा जी एक बार अपने को म्यूट कर दो। एक बार अपने को म्यूट कर। सभी म्यूट है ना। मीशो आई थिंक ये पीछे से ही प्रॉब्लम है। सीमा जी आप चैट में लिख सकते हैं। अब नहीं आ रही है। हाँ जी सीमा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हाँ जी आप बोलो। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग सर। आजादी के जोश में ना जो अर्बन कलर के ऑफर है ना वो फेब मंथ वाले भी शो हो रहे हैं, तो वो बाई मिस्टेक है या होते हैं? कौन से वाले ऑफर की बात कर रहे हो सर? आप जो 600 वाली लिपस्टिक आप एंड में चलते जाएंगे वो क्लियरेंस सेल है। हाँ जी वो क्लियरेंस सेल है। क्लियरेंस सेल है तो वो मिलेंगे हमें? अगर अवेलेबल होंगे सब मिलेंगे। अच्छा लेकिन उस पे नीचे लाइन लिखी हुई है ना कि फैब की है डेट? नहीं वो बाय मिस्टेक उसमें डल गया होगा। वो फरवरी में आया था ना? नहीं ये लिखा हुआ सीमा जी ये ना फरवरी से चल रहा है। फरवरी से चल रही है। अच्छा तो वो अगर कलर अवेलेबल है तो वो मिलेंगे हमें? हाँ जी मिलेंगे। ओके वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि वो फेब से कंटिन्यूशन में है। मार्च में भी थी फेब में थी। ओके वही कंफ्यूजन था कि वो मैंने पहले तो डाल दिया था फिर मुझे लगा कि ये फेब का है तो पता नहीं अब मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सब मिलेगा। ठीक है सर ठीक है थैंक यू। ठीक है और मनोज जी एक्स्ट्रा पीवी गोवा में काउंट नहीं होंगे, एक्स्ट्रा पीवी आपके लेवल में काउंट होंगे। चलिए और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। वीना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राजेंद्र जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। कंफर्म करना चाह रहा था जैसे आपने बताया था BMW कैंप मीटिंग सर। आवाज बहुत कम आ रही है। EMD कैंप लगाने की वो जो बताई थी आपने सर उसके बारे में? सर आवाज नहीं आ रही है। राजेंद्र जी आप मुझे 1-to-1 मैसेज डाल देना मैं आपको बता दूंगा। चलिए लास्ट में अब एक बार फीडबैक ले लेते हैं।
आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा। कोई भी अगर फीडबैक देना चाहता है, कोई भी अगर और कुछ पूछना चाहता है तो फील फ्री। हाँ जी अनंत जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया। आशीष सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आवाज क्लियर है? नहीं सर बहुत कम आ रही है। सर इशू है पता नहीं, उधर से भी बड़ी आवाजें आ रही हैं, जैसे हवा बहुत तेज हवाएं। बाकी फीडबैक यही है कि मैम ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, जो बेसिक्स हैं उन पे फोकस किया। शुरू में जो पॉइंट्स बताए थे, बिलीफ सिस्टम, विजन बोर्ड और स्किल रिक्वायरमेंट जो भी बताई है वो बहुत बेसिक है, और अगर सिर्फ स्किल्स पे ही काम कर लिया जाए तो बहुत आगे जाया जा सकता है। साथ में मैंने 3-4 पेज का नोट किया है, जो भी कैलेंडर कैसे बनाना है, एक्शन टू बी डन क्या क्या करने हैं, और 10,000 पर मंथ का स्ट्रक्चर, साथ साथ में टीम को हैंडल कैसे करना है ये भी उसमें बता दिया गया है। तो फैंटास्टिक थी ट्रेनिंग सर, आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी 1.5 घंटे की जो भी हुई, और जो आपने आज के ऑफर बताए वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिए। सब जगह लिखा हुआ आ रहा था यूट्यूब पे भी कि गोवा का चेंज हो गया सिस्टम, बीवी पे है तो, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं होंगे, देन बीवी बिजनेस वॉल्यूम पे काउंट होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नंद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू प्रिया जी। और भी कोई कहना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको आज की ट्रेनिंग को फिनिश करते हैं। और आई वांट कि डुप्लीकेशन आप करें और अपनी टीम में भी ले ट्रेनिंग, जो जिस लेवल पर हैं उसमें से जो पार्ट उनके लिए अप्लीकेबल है वो दें। और आज की POM बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो हम आज करने वाले हैं 5:30 पे, उसमें आप अपने मैक्सिमम गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं, सो दैट कि वो सिस्टम का हिस्सा बन सके और आप अपना जल्दी से गोवा पूरा कर। और जो टाइमिंग है 7 बजे की जगह 5:30 कर दिया गया है, रीजन बीइंग कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आते थे कि मैम हम 7 बजे डिनर बना रहे होते हैं या जो भी घर के हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम उसको पूरा कर रहे होते हैं, तो इसलिए टाइमिंग 5:30 कर दिया है ताकि आप लोग लोगों को काफी लोगों तक को आप इन्वाइट कर सकते हैं अपने आउटस्टेशन, जितने भी ऑनलाइन जितने भी लोग जहाँ भी रहते हैं आप उनको 5:30 ट्रेनिंग का हिस्सा फिर से बनाएं। लीडर्स की ड्यूटीज लगेंगी, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, तो प्लीज अपने उन लोगों को इनवाइट कीजिए जो आपकी टीम का हिस्सा है और कुछ करना चाहते हैं। तो एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे 5:30 का ही समय रहेगा, समय नहीं बदलेंगे, कि 7 बजे बदलने के बाद लोग कम हो गए थे और वो लोग ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पा रहे थे, तो आप इन्वाइट करें 5:30 बजे, और जो ऑफिस में मंडे को आएंगे वो 3:30 बजे ऑफिस का हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर विशेज, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। सिर्फ इतना चाहूंगी कि ये सारी चीजें तभी सक्सेसफुल होंगी जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर या हर कोई अपने सपने पूरे कर रहा हो, कोई निराश नहीं होगा कि मैं सफल नहीं हो रहा या मैं सफल नहीं हो रही। हम सब सफल हो सकते हैं, क्या चीज है जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही, हमें वो चीज सर्च करनी है। कोई इंसान नहीं जो सफल नहीं हो सकता, हम सब हो सकते हैं, पर अपनी गलतियों को करेक्ट करके। तो अगर हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन में कोई कमी है, हो सकता है, कहते हैं लोग नीरस नहीं है, हमारी प्रेजेंटेशन नीरस हो सकती है, इसका मतलब हो सकता है मेरे कॉन्फिडेंस में कमी हो सकता है मेरी प्रेजेंटेशन में कहीं कोई कमी है, हो सकता है यहाँ मैं ज्यादा सुनने की बजाय ज्यादा बोलना पसंद करता हूँ या करती हूँ, जिसकी वजह से लोग अपनी बात मन की बात नहीं बोल पाते और ज्वाइन नहीं करते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो सवाल ही जवाब है, बुक जरूर पढ़िए और लोगों को रीड करना शुरू कीजिए और अपनी अपलाइन को रिकॉर्डिंग जरूर भेजिए जहां आप अकेले अपनी मीटिंग करने जाते हैं या फॉलो अप करते हैं, कि ऐसी क्या चीज है जो हम बोल जाते हैं और सामने वाला बंदा हमसे कनेक्ट नहीं होता है, ऐसा क्या कारण है, हमसे नहीं होता कहीं और जाके कनेक्ट हो जाता है। तो हमें अपनी चीजों को ठीक करना है, उसके लिए अगर कोई अपलाइन साथ नहीं जा रही है मीटिंग्स के अंदर, नहीं जा सकता हर कोई, तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए जो आप अपना प्लान बताते हैं किसी को, कहीं करेक्शन हो सकी तो जरूर हम हेल्प करेंगे आपको इस चीज के अंदर। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि बस सिस्टम को फॉलो कीजिए। 4 तारीख है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपना रात तक कैलेंडर बना लें, आधा बनाएं, पूरा बनाएं, जितना भी बनाएं, बट बनाना शुरू करें, शेड्यूल बनाएं, आप जो सोचेंगे वहां तक पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक और विजन बोर्ड के साथ। चलिए थैंक यू सो मच, 5:30 बजे बिजनेस मीटिंग है, आप गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, और एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे जो
जो ऑलरेडी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो टीम का हिस्सा है, उनको इन्वाइट कीजिए आगे सिस्टम को में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। 5:30 बजे मिलेंगे BUM। थैंक यू।